अध्याय आठवीं बौद्ध दर्शन द बुद्धिस्ट फिलॉसफी विश्व प्रवेश इंट्रोडक्शन बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं बुद्ध का जन्म ईसा की छठी शताब्दी पूर्व हुआ था इनका जन्म हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान के राजवंश में हुआ था बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था राजवंश में जन्म लेने के फलस्वरूप इनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए पिता ने भिन्न-भिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद का प्रबंध किया ताकि सिद्धार्थ का मन विश्व की क्षणभंगता तथा दुख की ओर आकर्षित न हो पिता के हजार प्रयत्नों के बावजूद सिद्धार्थ का मन संसार की दुखमय अवस्था की ओर जाने से न बच सका कहा जाता है कि एक दिन घूमने के समय सिद्धार्थ ने एक रोगग्रस्त व्यक्ति एक बुद्ध और श्मशान की ओर ले जाए जाते एक मृतक शरीर को देखा इन दृश्यों का सिद्धार्थ के भावुक हृदय पर अत्यंत ही गहरा प्रभाव पड़ा इन दृश्यों के बाद बुद्ध को यह समझने में देर न लगी कि संसार दुखों के अधीन है संसार के दुखों को किस प्रकार दूर किया जाए यह चिंता निरंतर बुद्ध को सताने लगी दुख के समाधान को ढूंढने के लिए एक दिन वे आधी रात को अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु राहुल को छोड़कर राजमहल से निकल पड़े तथा उन्होंने सन्यास को अपनाया इस प्रकार पत्नी का प्रेम पुत्र की महत्ता महल का वैभव एवं विकास का आकर्षण सिद्धार्थ को सांसारिकता की डोर में बांधने में असमर्थ साबित हुआ विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलने के बाद उन्हें ज्ञान मिला उन्हें जीवन के सत्य के दर्शन हुए तत्वज्ञान अर्थात बोधी एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेने के बाद वे बुद्ध एनलाइटेंड की संज्ञा से विभूषित किए गए इस नाम के अतिरिक्त उन्हें तथागत जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानता है तथा अरहत द वर्दी की संज्ञा दी गई सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद बुद्ध ने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प किया इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने घूम घूम कर जनता को उपदेश देना आरंभ किया दुख के कारणों और दुख दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने दुख से त्रस्त मानव को दुख से छुटकारा पाने का आश्वासन दिया बुद्ध के उपदेशों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म एवं बौद्ध दर्शन का विकास हुआ बौद्ध धर्म सर्वप्रथम भारत में फैला बौद्ध धर्म के भारत में पनपने का मूल कारण उस समय के प्रचलित धर्म के प्रति लोगों का असंतोष था उस समय भारत में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था जिसमें बलि प्रथा की प्रधानता थी पशु यहां तक कि मनुष्यों को भी बलि देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था हिंसा के इस भयानक वातावरण में विकसित होने के कारण बौद्ध धर्म जो अहिंसा पर आधारित था भारत में लोकप्रिय होने का दावा कर सका कुछ ही समय बाद यह धर्म भारत तक ही सीमित नहीं रहा अपितु नृपों एवं भिक्षुओं की सहायता से दूसरे देशों में भी फैला इस प्रकार यह धर्म धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ बौद्ध दर्शन के अनेक अनुयायी थे अनुयायियों में मतभेद रहने के कारण बौद्ध दर्शन की अनेक शाखाएं निर्मित हो गई जिसके फलस्वरूप उत्तरकालीन बौद्ध दर्शन का जिसमें दार्शनिक विचारों की प्रधानता है सृजन हुआ उत्तरकालीन बौद्ध दर्शन आरंभिक बौद्ध दर्शन से बहुत सी बातों में भिन्न तथा विरोधात्मक प्रतीत होता है यहाँ पर हम उत्तरकालीन बौद्ध दर्शन की व्याख्या करने के बजाय बौद्ध दर्शन के आरंभिक रूप का जो बुद्ध के निजी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं अध्ययन करेंगे बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी उनके उपदेश मौखिक ही होते थे बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया त्रिपिटक को आरंभिक बौद्ध दर्शन का मूल और प्रामाणिक आधार कहा जा सकता है त्रिपिटक की रचना पाली साहित्य में की गई है पिटक का अर्थ पिटारी बॉक्स और त्री का अर्थ तीन होता है इसलिए त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होगा तीन पिटारिया सचमुच त्रिपिटक बुद्ध शिक्षाओं की तीन पिटारिया है सुत्त पिटक अभिधम पिटक और विनय पिटक तीन पिटकों के नाम हैं। में धर्म संबंधी बातों की चर्चा है बौद्धों की गीता, अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है इसमें बुद्ध के मनोविज्ञान संबंधी विचार संग्रहित हैं। विनय पिटक में नीति संबंधी बातों की व्याख्या हुई है इस सिलसिले में वहां भिक्षुओं की जीवनचर्या का भी संकेत किया गया है त्रिपिटक की रचना का समय तीसरी शताब्दी ईशा पूर्व माना गया है बौद्ध दर्शन की प्राचीन पुस्तकों में त्रिपिटक के अतिरिक्त मिलिंद पन्हो अथवा मिलिंद प्रश्न का भी नाम उल्लेखनीय है इस ग्रंथ में बौद्ध शिक्षक नागसेन और यूनानी राजा मिलिंद के संवाद का वर्णन है रेस डेविड ने साहित्यिक दृष्टिकोण से इस पुस्तक की अत्यधिक सराहना की है बुद्धघोष ने त्रिपिटक के बाद इस ग्रंथ को बौद्ध दर्शन का प्रामाणिक एवं प्रशंसनीय ग्रंथ माना है बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं चार आर्य सत्य द फोर नोबल ट्रूथ हैं। चार आर्य सत्य क्या है इसे जानने के पूर्व तत्वशास्त्र के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण जानना वांछनीय है क्योंकि वे चार आर्य सत्य की महत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं अतः सर्वप्रथम हम तत्वशास्त्र के प्रति बुद्ध के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेंगे बुद्ध की तत्वशास्त्र के प्रति विरोधात्मक प्रवृत्ति एंटी मेटाफिजिकल एटीट्यूड ऑफ बुद्धा प्रत्येक दार्शनिक कवि की तरह अपने समय की प्रवृत्तियों से प्रभावी होता है जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय मानव तत्वशास्त्र की समस्याओं को सुलझाने में निमग्न था प्रत्येक व्यक्ति आत्मा जगत और ईश्वर जैसे विषयों के चिंतन में डूबा हुआ था जितने विचारक थे उतने मत हो गए थे इस दार्शनिक प्रवृत्ति का फल यह हुआ कि लोगों का नैतिक जीवन निष्प्राण हो रहा था लोग जीवन के कर्तव्य को भूल रहे थे वे संसार में रहकर भी संसार से कोसों दूर थे नीतिशास्त्र के नियमों के प्रति लोगों की आस्था उठने लगी थी जिस प्रकार विचार क्षेत्र में पूरी अराजकता थी उसी प्रकार नैतिक क्षेत्र में भी अराजकता थी उस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो लोगों को नैतिक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाने में सहायक हो बुद्ध इस मांग की पूर्ति करने में पूर्ण रूप से सफल हुए बुद्ध एक समाज सुधारक थे दार्शनिक नहीं दार्शनिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर आत्मा जगत जैसे विषयों का चिंतन करता हो जब हम बुद्ध की शिक्षाओं का सिंहावलोकन करते हैं तो उसमें आचार शास्त्र मनोविज्ञान तर्कशास्त्र आदि पाते हैं परंतु तत्व दर्शन का वहां पूर्णता अभाव दीख पड़ता है उनसे जब भी कभी दर्शन शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता था तो वे मौन रहा करते थे आत्मा और जगत से संबंधित अनेक लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति वे मौन रहकर उदासीनता का परिचय देते थे ऐसे प्रश्न जिनके संबंध में वे मौन रहा करते थे ये है एक क्या यह विश्व शाश्वत एटनल है दो क्या यह विश्व अशाश्वत नॉन ल है? तीन क्या यह विश्व सीमित फाइनाइट है? चार क्या यह विश्व असीम इन्फिनिट, है? पांच क्या आत्मा और शरीर एक है छ क्या आत्मा शरीर से भिन्न है सात क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म होता है आठ क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म नहीं होता है नौ क्या उनका पुनर्जन्म होना और न होना दोनों ही बातें सत्य है दस क्या उनका पुनर्जन्म होना और न होना दोनों ही बातें असत्य है ऊपर वर्णित दस प्रश्नों को पाली साहित्य में जिसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, अव्याक्तानी इनडिटर्मिनेबल क्वेश्चन कहा जाता है इन दस प्रश्नों में प्रथम चार प्रश्न विश्व से संबंधित हैं, बाद के दो प्रश्न आत्मा से संबंधित हैं और अंतिम चार प्रश्न तथागत से संबंधित हैं। बौद्ध दर्शन में तथागत उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने निर्वाण को अंगीकार किया है इन प्रश्नों के पूछे जाने पर बुद्ध का मौन रहना विचार का विषय रहा है उनके मौन के भिन्न भिन्न अर्थ लगाए गए हैं कुछ लोगों का मत है कि बुद्ध तत्वशास्त्रीय प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते थे इसीलिए वे इन प्रश्नों के उत्तर पूछे जाने पर निरुत्तर का प्रतीक है बुद्ध के मौन रहने का यह अर्थ निकालना उनके साथ अन्याय करना है यदि वे तत्वशास्त्रीय प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते तब वे अपने को बुद्ध की संज्ञा से विभूषित नहीं करते बुद्ध का अर्थ ज्ञानी एनलाइटेंड होता है इस प्रकार बुद्ध को अज्ञानी कहना उनके नाम बुद्ध को निरर्थक बनाना है कुछ लोगों का मत है कि बुद्ध आत्मा विश्व ईश्वर इत्यादि के अस्तित्व में संशय करते थे उन लोगों के अनुसार उनका मौन रहना उनके संशयवाद की स्वीकृति है परंतु तत्वशास्त्रीय प्रश्नों पर बुद्ध के मौन रहने का यह अर्थ लगाना भी समीचीन नहीं है यदि बुद्ध संशयवादी होते तब वे अपने को बुद्ध नहीं कहते उनका सारा दर्शन इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि वे संशयवाद के पोषक नहीं थे अनेक विद्वानों ने बुद्ध के मौत का यह अर्थ लगाया है कि उनका मौन रहना किसी निश्चित उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे जानबूझकर तस्वशास्त्रीय प्रश्न पूछे जाने पर मौन हो जाते थे वे सर्वज्ञानी थे उन्हें मानव के शान की सीमाएं विदित थी उन्होंने देखा कि शास्त्र के जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर निश्चित रूप से नहीं दिए गए हैं किसी भी प्रश्न के उत्तर में दार्शनिकों का एक मत नहीं रहा है अतः तस्वशास्त्र के प्रश्नों में उलझना व्यर्थ के विवाद को प्रश्रय देना है अंधे स्पर्श के द्वारा जब हाथी के स्वरूप का वर्णन करते हैं तब उनका वर्णन विरोधात्मक एवं भिन्न भिन्न होता है जिस प्रकार अंधे हाथी का पूर्ण ज्ञान पाने में असमर्थ हैं, उसी प्रकार मानव आत्मा ईश्वर और जगत जैसे विषयों का पूर्ण ज्ञान पाने में असमर्थ है अतः तत्वशास्त्र के प्रश्नों में दिलचस्पी लेना बुद्ध के अनुसार बुद्धिमत्ता नहीं है इसके अतिरिक्त बुद्ध तत्वशास्त्रीय प्रश्नों के प्रति इसलिए भी मौन रहते थे कि वे जानते थे कि इन प्रश्नों का उत्तर व्यावहारिक दृष्टिकोण से निरर्थक है बुद्ध के अनुसार संसार दुखों से परिपूर्ण है। उन्होंने दुख के संबंध में जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर जानने के लिए मानव को प्रेरित किया उन्होंने दर्शन का उद्देश्य दुख का अंत सेसेशन ऑफ सफरिंग कहा है इसीलिए उन्होंने दुख की समस्या और दुख निरोध ही पर अधिक जोर दिया उन्होंने स्वयं कहा है मैं दुख और दुख निरोध पर ही अधिक जोर देता हूं सचमुच दुख से पीड़ित मानव को पाकर दर्शन शास्त्र के प्रश्नों में उलझने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं तो और क्या है बुद्ध ने इस तथ्य को एक उपमा के द्वारा सुंदर ढंग से समझाया है यदि कोई व्यक्ति बाण से आहत होकर किसी के पास पहुंचता है तब उसका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए बाण को हृदय से निकालकर उसकी सेवा सुश्रूषा करना ऐसा न करने के बजाय इन प्रश्नों पर कि तीर कैसा है किसने मारा कितनी दूर से मारा क्यों मारा और तीर मारने वाले का रंग रूप क्या था विचार करना मूर्खता ही कहा जाएगा उसी प्रकार दुख से पीड़ित मानव के लिए आत्मा जगत ईश्वर जैसे प्रश्नों के अनुसंधान में निमग्न रहना निरर्थक ही कहा जा सकता है अतः तत्वशास्त्र के प्रश्नों के प्रति बुद्ध का मौन रहना प्रयोजनात्मक है हमारी समझ से उनके मौन रहने का यही उचित अर्थ है चार आर्य सत्य द फोर नोबल ट्रूथ्स बुद्ध के सारे उपदेश चार आर्य सत्यों में सन्निहित है ये चार आर्य सत्य इस प्रकार हैं: एक संसार दुखों से परिपूर्ण है देर इज सफरिंग दो दुखों का कारण भी है देर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग तीन दुखों का अंत संभव है देर इज सफरिंग चार दुखों के अंत का मार्ग है ज अ वे लीडिंग टू द सेशन ऑफ सफरिंग प्रथम आर्य सत्य को दुख द्वितीय आर्य सत्य को दुख समुदाय तृतीय आर्य सत्य को दुख निरोध चतुर्थ आर्य सत्य को दुख निरोध मार्ग कहा जाता है ये चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म के सार हैं बुद्ध की समस्त शिक्षाएं किसी न किसी रूप में इन चार आर्य सत्यों से प्रभावित हुई है सचमुच इनके अभाव में बौद्ध दर्शन की कल्पना भी संभव नहीं है बुद्ध ने चार आर्य सत्यों की महत्ता को स्वयं मझिम निकाय में इस प्रकार स्पष्ट किया है इसी से चार आर्य सत्यों से अनासक्ति वासनाओं का नाश दुखों का अंत मानसिक शांति ज्ञान प्रज्ञा तथा निर्वाण संभव हो सकते हैं चार आर्य सत्यों पर अत्यधिक जोर देना बुद्ध के व्यवहारवाद का प्रमाण कहा जा सकता है अब हम एक एक कर इन आर्य सत्यों की विवेचना करेंगे प्रथम आर्य सत्य द फर्स्ट नोबल ट्रूथ दुख बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य है संसार दुखमय है सब कुछ दुखमय है सर्व दुख दुखम बुद्ध ने इस निष्कर्ष को जीवन की विभिन्न अनुभूतियों के गहरे विश्लेषण पर ही सत्य माना जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं। रोग बुढ़ापा मृत्यु चिंता असंतोष नैराश्य शोक इत्यादि सांसारिक दुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं इस सिलसिले में बुद्ध के ये कथन जो दुखों की व्यापकता को प्रमाणित करते हैं उल्लेखनीय है जन्म में दुख है नाश में दुख है रोग दुखमय है मृत्यु दुखमय है प्रिय से संयोग दुखमय है प्रिय से वियोग दुखमय है संक्षेप में राग से उत्पन्न पंचस्कंध दुखमय है यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि शरीर बॉडी अनुभूति फीलिंग प्रत्यक्ष परसेप्शन इच्छा विल और विचार रीजन को बौद्ध दर्शन में पंचस्कंध माना जाता है कुछ लोग बुद्ध के इस विचार के विरुद्ध कि संसार में दुख ही दुख है यह कह सकते हैं कि संसार की कुछ अनुभूतियां सुखात्मक होती हैं इसलिए समस्त संसार को दुखात्मक कहना भूल है इस आपत्ति के विरुद्ध बुद्ध का कहना है कि विश्व की जिन अनुभूतियों को हम सुखप्रद समझते हैं वे भी दुखात्मक है सुखात्मक अनुभूति को प्राप्त करने के लिए कष्ट होता है यदि किसी प्रकार वह वस्तु जो सुख का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रतीत होती है मिल भी जाए तो उस वस्तु के खो जाने का भय और चिंता बनी रहती है इसीलिए कहा गया है सुख से भय होता है इंद्रिय सुख के विषयों के खो जाने से भी विषाद उत्पन्न होता है इस प्रकार जिसे साधारणतः सुख समझा जाता है वह भी दुख ही है सुख और दुख में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है बुद्ध ने सांसारिक सुख को दुख इसलिए भी कहा है कि वे क्षणिक एवं नाशवान है जो वस्तु क्षणिक होती है उसके नष्ट होने पर उसका अभाव खटकता है जिसके फलस्वरूप दुख का प्रादुर्भाव होता है क्षणिक सुख को सुख कहना महान मूर्खता है यदि किसी प्रकार थोड़े समय के लिए विश्व के क्षणिक सुख को प्रामाणिकता दी जाए तो भी विश्व की अनुभूतियां जैसे रोग मृत्यु हमें चिंतित एवं दुखी बना ही देती है प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के विचार से यह सोचकर कि हमें एक दिन मरना है भयभीत एवं चिंतित हो जाता है कहा गया है मानव पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं पा सकता जहां की मृत्यु से बचा जा सके मानव को सिर्फ मृत्यु के विचार से ही कष्ट नहीं होता है बल्कि उसे अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना होता है इस प्रकार अपने अस्तित्व को कायम रखना मानव के लिए दुखदायी है जीवन के हर पहलू में दुख की व्यापकता प्रतिबिंबित होती है बुद्ध का यह कथन दुनिया में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं उनका पानी महासागर में जितना जल है उससे भी अधिक है विश्व के दुखमय स्वरूप को पूर्णतः प्रकाशित करता है जब सारी सृष्टि दुखमय है और जब हमारी आशाओं एवं आकांक्षाओं का अंत होता है तब विश्व से आनंद की आशा करना महान मूर्खता ही नहीं अपितु पागलपन है महात्मा बुद्ध की यह पंक्ति समझ संसार आग में झुलस रहा है तब आनंद मनाने का अवसर कहा है इस बात का संकेत करती है महात्मा बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य की प्रामाणिकता भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने स्वीकार की है चारवाक दर्शन को ही इस सिलसिले में एक अपवाद कहा जा सकता है चारवाक ने विश्व को सुखों से परिपूर्ण माना है जबकि अन्य दर्शनों में विश्व को दुखों से परिपूर्ण माना गया है बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य से जर्मनी के समकालीन दार्शनिक सोपनहावर भी सहमत हैं। उन्होंने भी जीवन को दुखमय माना है उनकी ये पंक्तियां जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रस्तावित करती हैं। समस्त जीवन को प्रकृति हमारे सामने इस प्रकार अभिव्यक्त होती है मानो यह जान कर हमारे मन में यह विश्वास उत्पन्न करना चाहती है कि हमारे प्रयासों प्रयत्नों और संघर्षों के अनुरूप कोई भी वस्तु नहीं है सभी अच्छी चीजें निरर्थक हैं संसार सभी ओर से नहसत्व है और जीवन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मूलधन की भी पूर्ति नहीं होती आशावाद मनुष्य के दुखों के प्रति तीक्ष्ण व्यंग्य है इस प्रकार दोनों दार्शनिकों के दृष्टिकोण जीवन और जगत के प्रति समान है बुद्ध ने संसार के दुखों पर अत्यधिक जोर दिया है जिसके फलस्वरूप कुछ विद्वानों ने बौद्ध दर्शन को निराशावादी पेसिमिस्टिक दर्शन कहा है निराशावाद उस दृष्टिकोण को कहा जाता है जो जीवन के विषाद में पहलू का ही चित्रण करता है निराशावादी दर्शन के अनुसार यह संसार आशा के बजाय निराशा का संदेश उपस्थित करता है अब प्रश्न यह है या बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन कहना उचित है इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि जो लोग बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन कहते हैं वे बौद्ध दर्शन को आंशिक रूप से जानने का ही दावा कर सकते हैं जब हम बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य पर दृष्टिपात करते हैं तब बौद्ध दर्शन में निराशावाद की झलक पाते हैं परंतु प्रथम आर्य सत्य ही बुद्ध का एकमात्र उपदेश नहीं है बुद्ध संसार की दुखमय स्थिति को देखकर ही भौन नहीं रहते हैं बल्कि दुखों का कारण जानने का प्रयास करते हैं बुद्ध का तृतीय आर्य सत्य मानव को दुख निरोध का आश्वासन देता है चतुर्थ आर्य सत्य में दुख का अंत करने के लिए एक मार्ग का भी निर्देश है इस प्रकार बुद्ध के चार आर्य सत्यों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध दर्शन निराशावादी दर्शन नहीं है यदि वह निराशावादी दर्शन होता तो दुख के कारण और दुख के निरोध की समस्या पर जोर नहीं देता बुद्ध का सारा दर्शन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने दुख से त्रस्त मानव को दुख से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित किया संसार को दुखमय जानकर केवल शोक करना मानव के लिए शोभन नहीं प्रतीत होता है इसलिए बुद्ध ने दुख के तौर से घायल मनुष्य को उसे देने का आदेश दिया इतना ही नहीं बुद्ध ने दुख निरोध को परम शुभ माना है जब दुख निरोध जिसे निर्वाण कहा जाता है जीवन का आदर्श है तब बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन कहना भूल है प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध के बतलाए हुए मार्ग पर चलकर निर्वाण को अंगीकार कर सकता है बुद्ध का यह विचार आशावाद से ओतप्रोत है इसने प्रमाणित होता है कि जहां तक प्रथम आर्य सत्य का संबंध है बौद्ध दर्शन में निराशावाद है परंतु जहां तक अन्य आर्य सत्यों का संबंध है वहां आशावाद का संकेत है इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन का आरंभ निराशावाद से होता है परंतु उसका अंत आशावाद में होता है निराशावाद बौद्ध दर्शन का आरंभ है अंत नहीं इन बुद्धिस्टियों फिलोसफी पेसिमिज्म इनिशियल एंड नॉट फाइनल निराशावाद बौद्ध दर्शन का आधार वाक्य प्रेमिस निष्कर्ष नहीं बौद्ध दर्शन का आरंभ निराशावाद से होना भी प्रयोजनात्मक है इस दर्शन का आरंभ निराशावाद ने इसलिए होता है कि वह निराशावाद आशावाद को जीवन प्रदान करता है निराशावाद के अभाव में आशावाद का मूल्यांकन करना कठिन है अतः कुछ विद्वानों का मत की बौद्ध दर्शन निराशावादी है भ्रांति मूलक प्रतीत होता है द्वितीय आर्य सत्य द सेकेंड नोबल ट्रूथ दुख समुदाय भारतीय दर्शन की यह विशेषता रही है कि यहाँ का प्रत्येक दार्शनिक विश्व को दुखमय जानकर दुड़ो के कारण को जानने का प्रयास करता है बुद्ध भी भारतीय दार्शनिक होने के नाते इस परंपरा का पालन करते हैं उन्होंने दुख के कारण का विश्लेषण दूसरे आर्य सत्य में एक सिद्धांत के सहारे किया है उस सिद्धांत को संस्कृत में प्रतीत डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा जाता है पाली में इस सिद्धांत को पटियसमुत्पाद कहते हैं जब हम प्रतीत का विश्लेषण करते हैं तब पाते हैं कि यह दो शब्दों के मेल से बना है वे दो शब्द हैं प्रतीत्य और समुत्पाद प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर डिपेंडिंग अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, उत्पत्तिशन इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होगा एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति अर्थात एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार आ, के रहने पर व का प्रादुर्भाव होगा और ब के रहने पर सक को उत्पत्ति होगी इस प्रकार प्रतीत का सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है यह प्रमाणित करता है कि प्रत्येक कार्य अपने कारण पर आश्रित है प्रतीत स्मुत्पाद के अनुसार प्रत्येक विषय का कुछ न कुछ कारण होता है कोई भी घटना अकारण उपस्थित नहीं हो सकती है दुख एक घटना है चौथ दर्शन में दुख को जरामरण कहा गया है जरा का अर्थ वृद्धावस्था ओल्ड एज और मरण का अर्थ मृत्यु होता है यद्यपि जरा शाब्दिक अर्थ वृद्धावस्था और मृत्यु होता है फिर भी जरामरण संसार के समस्त दुख जैसे रोग निराशा शोक उदासी इत्यादि का प्रतीक है जरामरण का कारण बुद्ध के अनुसार जाति रीबर्थ है जन ग्रहण करना ही जाति कहा जाता है यदि मानव शरीर नहीं धारण करता तब उसे सांसारिक दुख का सामना करना नहीं होता मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जन ग्रहण करना अर्थात शरीर धारण करना प्रतीत समुत्पाद के अनुसार जाति का कारण भव द टेंडनी टू बी बोर्न मानव को इसलिए जन्म ग्रहण करना पड़ता है कि उसमें जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को भव कहा गया है यह प्रवृत्ति हो मानव को जन्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है भव का कारण उपादान मेंटल क्लिंगिंग है सांसारिक वस्तुओं से आसक्त रहने की चाह को उपादान कहा जाता है उपादान का कारण तृष्णा क्रेविंग है शब्द स्पर्श रंग इत्यादि विषयों के भोग की वासना को तृष्णा कहा जाता है तृष्णा के कारण ही मानव सांसारिक विषयों के पीछे अंधा होकर दौड़ता है तृष्णा का क्या कारण है तृष्णा का कारण वेदना सेंस एक्सपीरियंस है पूर्व अनुभूति को वेदना कहा जाता है इंद्रियों के द्वारा मानव को सुखात्मक अनुभूति होती है जो उसकी तृष्णाओं को जीवित रखती है वेदना का कारण स्पर्श सेंस कॉन्टैक्ट है इंद्रियों का वस्तुओं के साथ जो संपर्क होता है उसे स्पर्श कहा जाता है यदि इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क नहीं हो तब इंद्रियानुभूति, अर्थात वेदना का उदय नहीं होगा स्पर्श का कारण पायतन सिक्स सेंस ऑर्गन्स पांच ज्ञानेंद्रियों और मन के संकलन को षडायतन कहा जाता है पांच ज्ञानेन्द्रिया बाह्य इंद्रिया है और मन आभ्यंतर इंद्रिय है यह छह इंद्रिया ही विषयों के साथ संपर्क ग्रहण करती है यदि इंद्रिया ही नहीं होती तो स्पर्श कैसे होता षडायतन का कारण नामरूप माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म मन और शरीर के समूह को नामरूप कहा जाता है इंद्रियों का निवास शरीर एवं मन में होता है पांच बाहेन्द्रिया शरीर में स्थित मानी जाती है और छठी इंद्रिय मन एक आंतरिक इंद्रिय है यदि रूप का अस्तित्व नहीं रहता तब इन छह इंद्रियों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता था रूप का कारण भी प्रतीत स्मुस्वाद के अनुसार कुछ अनु कुछ अवश्य होना चाहिए रूप का कारण विज्ञान कॉन्शियसनेस कहा जाता है जब नवजात शिशु मां के गर्भ में रहता है तब विज्ञान के कारण ही नवजात शिशु का शरीर एवं मन विकसित होता है यदि गर्भावस्था में विज्ञान का अभाव होता तब संभवतः बालक के शरीर एवं मन का विकास रुक जाता अब प्रश्न यह है विज्ञान का कारण क्या है विज्ञान का कारण संस्कार इंप्रेशन संस्कार का अर्थ है व्यवस्थित करना पूर्व जीवन की प्रवृत्ति के रूप में संस्कार को माना जाता है अतीत जीवन के कमों के प्रभाव के कारण ही संस्कार निर्मित होते हैं यहां पर यह पूछा जा सकता है कि संस्कार निर्मित ही क्यों होते हैं अर्थात संस्कार का कारण क्या है संस्कार का कारण अविद्या इग्नोरेंस है अविद्या का अर्थ है ज्ञान का अभाव जो वस्तु अवास्तविक है उसे वास्तविक समझना जो वस्तु दुखमय है उसे सुखमय समझना जो वस्तु आत्मा नहीं है अर्थात अनात्मा नॉट सेल्फ है उसे आत्मा समझना अविद्या का प्रतीक है वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने के कारण अविद्या प्रतिफलित होकर संस्कार का निर्माण करती है अविद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है अविद्या दुखों का मूल कारण इसलिए है कि कार्य कारण की अविद्या पर आकर रुक जाती है बुद्ध ने दुखों का मूल कारण अविद्या को मानकर भारत के दार्शनिकों की परंपरा का पालन किया है सांख्य न्याय वैशेषिक शंकर और जैन इत्यादि दर्शनों में दुख का मूल कारण अविद्या को हो उहराया गया है उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि दुख का कारण जाति है जाति का कारण भव है भाव का कारण उपादान है उपादान का कारण तृष्णा है तृष्णा का कारण वेदना है वेदना का कारण स्पर्श है स्पर्श का कारण षडायतन है षडायतन का कारण नामरूप है नामरूप का कारण विज्ञान है विज्ञान का कारण संस्कार है संस्कार का कारण अविद्या है इस प्रकार दुख के कारण की व्याख्या के सिलसिले में कार्यकारण श्रृंखला की ओर बुद्ध ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है इस श्रृंखला में बारह कड़िया है जिसमें जरामरण प्रथम कड़ी है अविद्या अंतिम कड़ी है तथा शेष कड़ियों का स्थान दोनों के मध्य आता है प्रतीत्य उत्पाद को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है इस सिद्धांत को द्वादश निदान द ट्वेल्व सोर्सेस कहा जाता है यह सिद्धांत दुख के कारण का पता लगाने के लिए बारह कड़ियों की विवेचना करता है जिसमें से प्रत्येक कड़ी को एक निदान कहा जाता है चूंकि निदानों की संख्या बारह है इसीलिए इस सिद्धांत को द्वादश निदान कहा जाता है प्रथम जरामरण और अंतिम अविद्या को छोड़कर शेष दस निदानों को कभी कभी कर्म भी कहा जाता है इस नाम के अतिरिक्त इस सिद्धांत को संसार चक्र द व्हील ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि मनुष्य का संसार में आवागमन किस प्रकार होता है इस सिद्धांत को भाव चक्र द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह सिद्धांत मनुष्य के अस्तित्व के प्रश्न पर विचार करता है इस सिद्धांत को जन्म मरण चक्र बर्थ एंड डेथ भी कहा जाता है क्योंकि यह सिद्धांत मनुष्य के जीवन मरण चक्र को निश्चित करता है इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है क्योंकि यह धर्म का स्थान ग्रहण करता है बुद्ध ने स्वयं कहा है जो प्रतीत्य का ज्ञानता है वह धर्म का ज्ञाता है जो धर्म का ज्ञाता है वह प्रतीत स्म का ज्ञाता है प्रतीत स्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी बारह कड़िया भूत वर्तमान और भविष्य जीवनों में व्याप्त हैं। अविद्या और संस्कार का संबंध अतीत जीवन से है जरामरण और जाति का संबंध भविष्य जीवन से है और शेष का संबंध वर्तमान जीवन से है अतीत वर्तमान और भविष्य जीवनों के बीच कारण कार्य श्रृंखला का प्रादुर्भाव हो जाता है अतीत जीवन वर्तमान जीवन का कारण है और भविष्य जीवन वर्तमान जीवन का कार्य है भूत वर्तमान और भविष्य जीवन की दृष्टि से प्रतीत समुत्पाद के जो भेद किए गए हैं उन्हें इस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है जिनका संबंध अतीत जीवन से है एक अविद्या इग्नोरेंस दो संस्कार इंप्रेशंस जिनका संबंध वर्तमान जीवन से है तीन विज्ञान कॉन्शियसनेस चार नाम रूप माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म पांच षडायतन सिक्स सेंस ऑर्गन्स छ स्पर्श सेंस कॉन्टैक्ट सात वेदना सेंस एक्सपीरियंस आठ तृष्णा क्रेविंग नौ उपादान मेंटल क्लिंगिंग दस भाव द विल टू बी बॉर्न जिसका संबंध भविष्य जीवन से है ग्यारह जाति रीबर्थ बारह जरामरण सफरिंग प्रतीत्य स्म उत्पाद खिलाफ कई आपत्तियां उठाई गई हैं, जिनमें से दो सबसे प्रसिद्ध हैं। यह सिद्धांत बुद्ध की मौलिक देन कहा जाता है परंतु आलोचकों ने इस मत का विरोध किया है उनका कहना है कि दुखों के कारण का सिद्धांत बुद्ध की निजी देन न होकर उपनिषद दर्शन के ब्रह्मा चक्र की नकल है ऐसा सोचने का आधार उपनिषद दर्शन के ब्रह्मा चक्र द व्हील ऑफ ब्रह्मा में दुखों के कारण का विवेचन कहा जा सकता है अतः प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धांत को देकर बुद्ध मौलिकता का दावा करने में असफल प्रतीत होते हैं प्रतीत्यसमुत्पाद के विरुद्ध दूसरा आक्षेप यह किया जाता है कि यदि प्रत्येक निदान का कारण है तब अविद्या का कारण क्या है बुद्ध दर्शन में इस प्रश्न का हम उत्तर नहीं पाते हैं बुद्ध ने अविद्या का कारण शायद निरर्थक समझकर नहीं बतलाया अविद्या को कैसे दूर किया जाए यह बतलाने के बदले बुद्ध की दृष्टि से यह बतलाना कि अविद्या का कारण क्या है अनावश्यक था जो कुछ भी कारण हो परंतु बुद्ध का मौन रहना दार्शनिक दृष्टिकोण से अमान्य प्रतीत होता है इन आलोचनाओं से यह निष्कर्ष निकालना कि प्रतीत महत्वहीन है सर्वथा अनुचित होगा इसके विपरीत इस सिद्धांत का बुद्ध के दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान दीख पड़ता है उनका सारा दर्शन इस सिद्धांत से प्रभावित हुआ है प्रतीत में सर्वप्रथम कर्मवाद की स्थापना होती है यह सिद्धांत तीनों जीवन में कार्यकारण के रूप में फैला हुआ है वर्तमान जीवन अतीत जीवन के कर्मों का फल है तथा भविष्य जीवन वर्तमान जीवन के कर्मों का फल है कर्म बाद में भी इस बात को मान्यता दी जाती है प्रतीत समुत्पाद से अनित्यवाद की जो बाद में चलकर क्षणिकवाद में परिवर्तित हो जाता है स्थापना होती है इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु कारणानुसार होती है कारण के नष्ट हो जाने पर वस्तु का भी नाश हो जाता है तथा उसका परिवर्तन दूसरे रूप में हो जाता है इस प्रकार नित्य और स्थाई वस्तु भी अनित्य एवं अस्थाई है। धारणा का सिद्धांत बौद्ध दर्शन में अस्वय के सिद्धांत को स्थापित करने में मदद करता है जब संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है तो आत्मा को शाश्वत मानना भूल है अत्या यह कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि धारणा का उत्पाद ही बौद्ध दर्शन का केंद्र बिंदु है तृतीय आर्य सत्य द थर्ड नोबल ट्रूथ दुख निरोध द्वितीय आर्य सत्य में बुद्ध ने दुख के कारण को माना है इससे प्रमाणित होता है कि यदि दुख के कारण का अंत हो जाए तो दुख का भी अंत अवश्य होगा जब कारण का ही अभाव होगा तब कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी वह अवस्था जिसमें दुखों का अंत होता है दुख निरोध कही जाती है दुख निरोध को बुद्ध ने निर्वाण कहा है निर्वाण को पाली में निर्वाण कहा जाता है यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि भारत के अन्य दर्शनों में जिस सत्ता को मोक्ष कहा गया है उसी सत्ता को बौद्ध दर्शन में निर्वाण की संज्ञा से विभूषित किया गया है इस प्रकार निर्वाण और मोक्ष समानार्थक है बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है यही बौद्ध धर्म का मूलाधार है तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण की विशेषताओं का उल्लेख है निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में भी संभव है एक मानव इस जीवन में भी अपने दुखों का निरोध कर सकता है एक व्यक्ति यदि अपने जीवन काल में ही राग द्वेष, मोह आसक्ति अहंकार इत्यादि पर विजय पा लेता है तब वह मुक्त हो जाता है वह संसार में रहकर भी सांसारिकता से निर्लिप्त रहता है मुक्त व्यक्ति को अहर्त कहा जाता है अतम बौद्ध दर्शन में एक आदरणीय संबोधन है महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में बोधी एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया था उसके बाद भी वे 45 वर्ष तक जीवित थे बुद्ध की तरह दूसरे लोग भी निर्वाण को जीवन काल में प्राप्त कर सकते हैं निर्वाण प्राप्ति के बाद शरीर कायम रहता है क्योंकि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जब तक वे कर्म समाप्त नहीं होते हैं शरीर विद्यमान रहता है बुद्ध की यह धारणा उपनिषदों की जीवन मुक्ति से मेल खाती है बौद्ध दर्शन के कुछ अनुयायी जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति की तरह निर्वाण और परिनिर्वाण में भेद करते हैं परिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु के उपरांत निर्वाण की प्राप्ति बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति 80 वर्ष की अवस्था में हुई जब उनका देहांत हुआ अतः निर्वाण का अर्थ जीवन का अंत नहीं है अपितु यह एक ऐसी अवस्था है जो जीवन काल में ही प्राप्य है निर्वाण निष्क्रियता की अवस्था नहीं है निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सभी कर्मों का त्याग कर बुद्ध के चार आर्य सत्यों का मनन करना पड़ता है परंतु जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उसे कर्मों से अलग रहने की आवश्यकता नहीं महसूस होती इसके विपरीत वह लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्यान्वित दीख पड़ता है निर्वाण प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को अकर्मण्य रहने का विचार हुआ था परंतु संसार के लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने अपने विचार को बदला। जिस नाव पर चढ़कर उन्होंने दुख समुद्र को पार किया था उस नाव को तोड़ने के बजाय उन्होंने अन्य लोगों के हित के लिए रखना आवश्यक समझा लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर बुद्ध ने घूम घूम कर अपने उपदेशों को जनता के बीच रखा दुखों से पीड़ित मानव को आशा का संदेश दिया उन्होंने अनेक संघों की स्थापना की धर्म प्रचार के लिए अनेक शिष्यों को विदेशों में भेजा इस प्रकार बुद्ध का सारा जीवन कर्म का अनोखा उदाहरण रहा है अतः निर्वाण का अर्थ कर्म संन्यास समझना भ्रांतिमूलक है यहाँ पर एक आक्षेप उपस्थित किया जा सकता है यदि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति संसार के कर्मों में भाग लेता है तो किए गए कर्म संस्कार का निर्माण कर उस व्यक्ति को बंधन की अवस्था में क्यों नहीं बांधते इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि बुद्ध ने दो प्रकार के कर्मों को माना है एक प्रकार का कर्म वह है जो राग द्वेष तथा मोह से संचालित होता है इस प्रकार के कर्म को आसक्त कर्म इंटरेस्टेड एक्शन कहा जाता है ऐसे कर्म मानव को बंधन की अवस्था में वांगते हैं जिसके फलस्वरूप मानव को जन्म ग्रहण करना पड़ता है दूसरे प्रकार का कर्म वह है जो राग द्वेष एवं मोह से रहित होकर तथा संसार को अनित्य समझकर किया जाता है इस प्रकार के कर्म को अनासक्त कर्म डिसइंटरेस्टेड एक्शन कहा जाता है जो व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म करता है वह जन्म ग्रहण नहीं करता इस प्रकार के कर्मों की तुलना बुद्ध ने भूंजे हुए बीज से की है जो पौधे की उत्पत्ति में असमर्थ होता है आसक्त कर्म की तुलना बुद्ध ने उत्पादक बीज से की है जिसके वपन से पौधे की उत्पत्ति होती है जो व्यक्ति निर्वाण को अपनाते हैं उनके कर्म अनासक्ति की भावना से संचालित होते हैं इसीलिए कर्म करने के बावजूद उन्हें कर्म के फलों से छुटकारा मिल जाता है बुद्ध की अनासक्त कर्म भावना गीता की निष्काम कर्म भावना से मिलती जुलती है बुद्ध ने निर्वाण के संबंध में कुछ नहीं बतलाया उनसे जब भी निर्वाण के स्वरूप के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता था तब वे मौन रहकर प्रश्नकर्ता को हतोत्साहित करते थे उनके मौन रहने के फलस्वरूप निर्वाण के संबंध में विभिन्न धारणाएं विकसित हुई कुछ विद्वानों ने निर्माण का शाब्दिक अर्थ बुझा हुआ ब्लोन आउट लिया कुछ अन्य विद्वानों ने निर्माण का अर्थ शीतलता कूलिंग लिया इस प्रकार निर्वाण के शाब्दिक अर्थ को लेकर विद्वानों के दो दल हो गए इन दो दलों के साथ ही साथ निर्माण के संबंध में दो मत हो गए जिन लोगों ने निर्वाण का अर्थ बुझा हुआ समझा उन लोगों ने निर्वाण के संबंध में जो मत दिया उसे निषेधात्मक मत नेगेटिव कंसेप्शन कहा जाता है जिन लोगों ने निर्वाण का शाब्दिक अर्थ शीतलता समझा उन लोगों ने निर्वाण के संबंध में जो मत दिया उसे भावात्मक मत पॉजिटिव कंसेप्शन कहा जाता है सर्वप्रथम हम निर्वाण के निषेधात्मक मत पर प्रकाश डालेंगे निषेधात्मक मत के समर्थकों ने निर्वाण का अर्थ बुझा हुआ समझा है इन लोगों ने निर्वाण की तुलना दीपक के बुझ जाने से की है जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके प्रकाश का अंत हो जाता है उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के समस्त दुख मिट जाते हैं निर्वाण के इस अर्थ से प्रभावित होकर कुछ बौद्ध अनुयायी एवं अन्य विद्वानों ने निर्वाण का अर्थ पूर्ण विनाश एक्सटेंक्शन समझा है इन लोगों के कथनानुसार निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के अस्तित्व का विनाश सेसेशन और एग्जिस्टेंस हो जाता है अतः इन लोगों ने निर्वाण का अर्थ जीवन का अंत समझा है इस मत के समर्थकों में ओल्डेनबर्ग बौद्ध धर्म के हिन्यान संप्रदाय और पॉल दहल के पॉल दहल के के नाम विशेष उल्लेखनीय है निर्वाण का यह निषेधात्मक मत तर्कसंगत नहीं है यदि निर्वाण का अर्थ पूर्ण विनाश अर्थात जीवन का अंत माना जाए तब यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने निर्वाण को अपनाया बुद्ध के सारे उपदेश इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने मृत्यु के पूर्व ही निर्वाण को अपनाया था यदि इस विचार का खंडन किया जाए तब बुद्ध के सारे उपदेश एवं उनके निर्वाण प्राप्ति के विवार कल्पना मात्र हो जाते हैं अतः निर्वाण का अर्थ जीवन का अंत समझना भ्रमात्मक है क्या निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का अस्तित्व मृत्यु के पश्चात रहता है बुद्ध से जब यह प्रश्न पूछा जाता था तो वे मौन हो जाते थे उनके मौन रहने के कारण कुछ लोगों ने यह अर्थ निकाला कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रहता है परंतु बुद्ध के मौन रहने का यह अर्थ निकालना उनके साथ अन्याय करना है उनके मौन रहने का संभवतः यह अर्थ होगा कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की अवस्था अवर्णनीय है प्रोफेसर और चाइल्डर्स ने निर्वाण विषयक वाक्यों का सतर्क अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि निर्वाण का अर्थ कहीं भी पूर्ण विनाश नहीं है यह सोचना कि निर्वाण व्यक्तित्व प्रणाश को अवस्था है बुद्ध के अनुसार एक दुष्टतापूर्ण विमुक्ता विकेट हेरेसी है यह जान लेने के बाद कि निर्वाण अस्तित्व का उच्छेद नहीं है निर्वाण संबंधी भावात्मक मत की व्याख्या करना परमावश्यक है भावात्मक मत के समर्थकों ने निर्वाण का अर्थ शीतलता कूलिंग लिया है बौद्ध दर्शन में वासना क्रोध मोह भ्रम दुख इत्यादि को अग्नि के तुल्य माना गया है निर्वाण का अर्थ वासना एवं दुख रूपी आग का ठंडा हो जाता है निर्वाण के इस अर्थ पर जोर देने के फलस्वरूप कुछ विद्वानों ने निर्वाण को डोट घृणा और भ्रम से रहित अवस्था कहा गया है निव्यानम परम सुखम अंगोत्तर निकाय में निर्वाण को आनंद एवं पवित्रता के रूप में चित्रित किया गया है निर्वाण को आनंदमय अवस्था मानने के फलस्वरूप कुछ विद्वानों ने बौद्ध दर्शन पर सुखवाद हेडोनिज्म का आरोप लगाया है निर्वाण को आनंद की अवस्था मानने के कारण बुद्ध को सुखवादी है कहना भ्रमात्मक है क्योंकि आनंद की अनुभूति सुख की अनुभूति से भिन्न है सुख की अनुभूति अस्थाई और दुखप्रद है परंतु आनंद की अनुभूति अमृत तुल्य है घृणा और भ्रम से रहित अवस्था कहा गया है निव्यानम परमा सुखम अंगुत्तर निकाय में निर्वाण को आनंद एवं पवित्रता के रूप में चित्रित किया गया है निर्वाण को आनंदमय अवस्था मानने के फलस्वरूप कुछ विद्वानों ने बौद्ध दर्शन पर सुखवाद हेडोनिज्म का आरोप लगाया है निर्वाण को आनंद की अवस्था मानने के कारण बुद्ध को सुखवादी हेडोनिस्ट कहना भ्रमात्मक है क्योंकि आनंद की अनुभूति सुख की अनुभूति से भिन्न है सुख की अनुभूति अस्थाई और दुखप्रद है परंतु आनंद की अनुभूति अमृत तुल्य है निर्वाण का मुख्य स्वरूप यह है कि वह अनिर्वचनीय है तर्क और विचार के माध्यम से इस अवस्था को चित्रित करना असंभव है डॉक्टर गुप्त ने कहा है लौकिक अनुभव के रूप में निर्वाण का निर्वाचन मुझे एक असाध्य कार्य प्रतीत होता है यह एक ऐसी स्थिति है जहां सभी लौकिक अनुभव निषिद्ध हो जाते हैं इसका विवेचन भावात्मक प्रणाली से शायद ही संभव है डॉक्टर कीत ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है सभी व्यावहारिक शब्द अवर्णनीय का वर्णन करने में असमर्थ हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख धर्मोपदेशक नागसे ने यूनान के राजा मिलिंद के सम्मुख निर्वाण की व्याख्या उपमाओं की सहायता से की है निर्वाण को उन्होंने सागर की तरह गहरा पर्वत की तरह ऊंचा और मधु की तरह मधुर कहा है इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि निर्वाण के स्वरूप का ज्ञान उसे ही हो सकता है जिसे इसकी अनुभूति प्राप्त है जिस प्रकार अंधे को रंग का ज्ञान कराना संभव नहीं है उसी प्रकार जिसे निर्वाण की अनुभूति अप्राप्य है उसे निर्वाण का ज्ञान कराना संभव नहीं है अतः निर्वाण की जितनी परिभाषाएं दी गई हैं, वे निर्वाण के यथार्थ स्वरूप बतलाने में असफल हैं। निर्वाण की प्राप्ति मानव के लिए लाभप्रद होती है इससे मुख्यतः तीन लाभ प्राप्त होते हैं निर्वाण से सर्वप्रथम लाभ यह है कि इससे समस्त दुखों का अंत हो जाता है दुखों के समस्त कारणों का अंत कर निर्वाण मानव को दुखों से मुक्ति दिलाता है निर्वाण का दूसरा लाभ यह है कि इससे पुनर्जन को संभावना का अंत हो जाता है जन ग्रहण के कारण नष्ट हो जाने से निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जन ग्रहण के बंधन से छुटकारा पा जाता है कुछ विद्वानों ने निर्माण के शाब्दिक विश्लेषण से यह प्रमाणित किया है कि निर्वाण पुनर्जन का अंत है निर्वाण शब्द निर और बाण शब्द के सम्मिश्रण से बना है निर का अर्थ है नहीं और बाण का अर्थ है पुनर्जन्म पथ अतः निर्वाण का अर्थ पुनर्जन्म रूपी पथ का अंत हो जाना है निर्वाण का तीसरा लाभ यह है कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का शेष जीवन शांति से बीतता है निर्वाण से प्राप्त शांति और सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त शांति में अंतर है सांसारिक वस्तुओं से जो शांति प्राप्त होती है वह अस्थाई एवं दुखदायी है परंतु निर्वाण से प्राप्त शांति आनंददायक होती है निर्वाण के ये मावात्मक लाभ पॉजिटिव एडवांटेज है जबकि अन्य दो वर्णित लाभ निषेधात्मक नेगेटिव है चतुर्थार्य सत्य द फोर्थ नोबल ट्रूथ दुख निरोध मार्ग तृतीय आर्य सत्य में बुद्ध ने बतलाया है कि दुखों का निरोध संभव है प्रश्न उठता है दुखों का निरोध किस प्रकार संभव है बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध को अवस्था को अपनाने के लिए एक मार्ग की चर्चा की है इस मार्ग को दो खन निरोध मार्ग कहा जाता है सच पूछा जाए तो दुख निरोध मार्ग दुख के कारण का अंत होने का ही मार्ग है यह वह मार्ग है जिस पर चलकर बुद्ध निर्वाण को अपनाया था दूसरे लोग भी इस मार्ग पर चलकर निर्वाण की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं यह मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है एक गृहस्थ व्यक्ति अथवा एक सन्यासी इस मार्ग का पथिक बन सकता है बुद्ध का यह विचार आशावाद से ओतप्रोत है बौद्ध धर्म एक सर्वव्यापी धर्म यूनिवर्सल रिलीजन इसीलिए वहां ऐसे मार्ग की ओर संकेत है जिसका हृदयंगम प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है बुद्ध का यह आर्य सत्य उनके धर्म और नीतिशास्त्र का आधार स्वरूप है इसीलिए इस मार्ग की महत्ता अत्यधिक बढ़ गई है इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग दोल्ड नोबल पाथ कहा जाता है क्योंकि इस मार्ग के आठ अंग बतलाए गए हैं अब एक एक कर इन अंगों की व्याख्या की जाती है एक सम्यक दृष्टि राइट व्यूज बुद्ध ने दुख का मूल कारण अविद्या को माना है अविद्या के फलस्वरूप मिथ्यादृष्टि रॉन्ग व्यूज का प्रादुर्भाव होता है मिथ्यादृष्टि की प्रबलता के कारण अवास्तविक वस्तु को वास्तविक समझा जाता है जो आत्मा नहीं है अर्थात अनात्म है उसे आत्मा माना जाता है मिथ्या दृष्टि से प्रभावित होकर मनुष्य नश्वर विश्व को अविनाशी तथा दुखमय अनुभूतियों को सुखमय समझता है मिथ्या दृष्टि का अंत सम्यक दृष्टि राइट व्यूज से ही संभव है इसीलिए बुद्ध ने सम्यक दृष्टि को अष्टांगिक मार्ग की प्रथम सीढ़ी माना है वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है सम्यक दृष्टि का अर्थ बुद्ध के चार आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान है चार आर्य सत्यों का ज्ञान ही मानव को निर्वाण की ओर ले जा सकता है आत्मा और विश्व संबंधी दार्शनिक विचार मानव को निर्वाण प्राप्ति में बाधा पहुंचाते हैं अतः दार्शनिक विषयों के चिंतन के बजाय निर्वाण हेतु बुद्ध के चार आर्य सत्यों का मनन ही परमावश्यक है दो सम्यक संकल्प राइट right रिजोल्व सम्यक दृष्टि सर्वप्रथम सम्यक संकल्प में रूपांतरित होता है बुद्ध के चार आर्य सत्यों का का जीवन में पालन करने निश्चय ही सम्यक संकल्प है। आर्य सत्यों के ज्ञान से मानव अपने को लाभान्वित तभी कर सकता है जब वह उनके अनुसार जीवन व्यतीत करता हो इसीलिए निर्वाण के आदर्श को अपनाने के लिए एक साधक को एन्द्रिय विषयों से अलग रहने दूसरे के प्रति द्वेष तथा हिंसा के विचारों को त्याग करने का संकल्प करना चाहिए दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो अशुभ है उसे न करने का संकल्प ही सम्यक संकल्प है इसमें त्याग और परोपकार की भावना सन्निहित है तीन सम्यक वाक राइट स्पीच सम्यक वाक सम्यक संकल्प की अभिव्यक्ति अथवा उसका बाह्य रूप है कोई व्यक्ति सम्यक वाक का पालन तभी कर सकता है जब वह निरंतर सत्य एवं प्रिय बोलता हो सिर्फ सत्य वचनों का प्रयोग ही सम्यक वाक के लिए पर्याप्त नहीं है जिस वचन से दूसरों को कष्ट हो उसका परित्याग करना वांछनीय है इस प्रकार सत्य एवं प्रिय वचनों का प्रयोग ही सम्यक वाक है दूसरों की निंदा करना आवश्यकता से अधिक बोलना भी सम्यक वाक का विरोध करना है इसीलिए कहा गया है मन को शांत करने वाला एक शब्द हजार निरर्थक शब्दों से श्रेयस्कर है चार सम्यक कर्मांत राइट एक्शन निर्वाण प्राप्त करने के लिए साधक को सिर्फ सम्यक वाक का पालन करना ही पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है सत्यभाषी और प्रियभाषी होने के बावजूद कोई व्यक्ति बुरे कर्मों को अपनाकर पद भ्रष्ट हो सकता है अतः बुद्ध ने सम्यक कर्मांत के पालन का आदेश दिया है सम्यक कर्मांत का अर्थ होगा बुरे कर्मों का परित्याग बुद्ध के अनुसार बुरे कर्म तीन हैं हिंसा स्टे स्टीलिंग इंद्रिय भोग सम्यक कर्मांत इन तीनों कर्मों का प्रतिकूल होगा अहिंसा अर्थात दूसरे जीवों की हिंसा नहीं करना अस्तेय अर्थात दूसरे की संपत्ति को नहीं चुराना इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रिय सुख का त्याग करना ही सम्यक कर्मांत कहा जाता है बुद्ध ने भिन्न भिन्न भिन श्रेणियों के लोगों के जैसे गृहस्थ भिक्षु इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने का आदेश दिया है पांच सम्यक आजीविका राइट right लाइवलीहुड सम्यक आजीविका का अर्थ है ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना जीविका निर्वाह का ढंग उचित होना चाहिए यदि कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए निषिद्ध मार्ग का सहारा लेता है तब वह अनैतिकता को प्रश्रय देता है अतः निर्वाण की प्राप्ति के लिए कटवचन एवं बुरे कर्मों के परित्याग के साथ ही साथ जीवन निर्वाह के लिए अशुभ मार्ग का परित्याग भी परमावश्यक है धोखा रिश्वत लूट अत्याचार इत्यादि अशुभ उपायों से जीविका निर्वाह करना महान पाप है कुछ लोग कह सकते हैं कि को आजीविका में सम्यक कर्मांत की ही पुनरावृत्ति हुई है जिसके फलस्वरूप संपक आजीविका को अलग सीढ़ी मानना अनुपयुक्त है बुद्ध ने सम्यक आजीविका को अलग सीढ़ी माना है क्योंकि जो मानव सम्यक कर्मांत का पालन करता है वह भी कभी कभी भी जीवन निर्वाह के लिए अनुचित मार्गों का प्रयोग करता है अतः सम्यक कर्मांत को सार्थक बनाने के लिए सम्यक आजीविका का पालन अनिवार्य प्रतीत होता है छे सम्यक व्यायाम राइट एफर्ट्स उपर्युक्त पांच मार्गों पर चलकर भी कोई साधक निर्वाण को अपनाने में असफल रह सकता है इसका कारण यह है कि हमारे मन में पुराने बुरे विचार अपना घर बना चुके हैं तथा नवीन बुरे विचार निरंतर मन में प्रवाहित होते रहते हैं इसलिए पुराने बुरे विचारों को मन से निकालना तथा नए बुरे विचारों को मन में आने से रोकना अत्यावश्यक है मन कभी शांत नहीं रह सकता है इसलिए मन को अच्छे भावों से परिपूर्ण रखना चाहिए तथा अच्छे भावों को मन में कायम रखने के लिए प्रयत्नशील तथा सक्रिय रहना चाहिए। इन चार प्रकार के प्रयत्नों को अर्थात एक पुराने बुरे विचार को बाहर निकालता दो नए बुरे विचार को मन में आने से रोकना तीन अच्छे भावों को मन में भरना चार इन भावों को मन में कायम रखने के लिए सतत क्रियाशील रहना सम्यक व्यायाम कहा जाता है इस प्रकार सम्यक व्यायाम उन क्रियाओं को कहते हैं जिनसे अशुभ मनस्थिति स्थिति का अंत होता है तथा शुभ मनस्थिति स्थिति का प्रादुर्भाव होता है साथ सम्यक स्मृति राइट माइंडफुलनेस सम्यक स्मृति का पालन करना तलवार की धार पर चलना है अभी तक जिन विषयों का ज्ञान हो चुका है उन्हें सदैव स्मरण रखना परमावश्यक है सम्यक स्मृति के द्वारा इसी बात पर जोर दिया जाता है सम्यक स्मृति का अर्थ वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में जागरूक रहता है निर्वाण की कामना रखने वाले व्यक्ति को शरीर को शरीर मन को मन संवेदना को संवेदना समझना अत्यावश्यक है इनमें से किसी के संबंध में यह सोचना यह मैं हूं अथवा यह मेरा है सर्वदा भ्रमात्मक है शरीर को शरीर मन को मन संवेदना को संवेदना समझने का अर्थ है इन वस्तुओं को क्षणिक एवं दुखदायी समझना मनुष्य अज्ञान के वशीभूत होकर शरीर मन संवेदना इत्यादि को स्थायी एवं सुखजनक समझने लगता है तथा इन विषयों से आसक्त हो जाता है जिसके फलस्वरूप इन वस्तुओं के नाश होने पर उसे दुख की अनुभूति होती है अतः इनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण रखना नितांत आवश्यक है शरीर की क्षणभंगुरता की ओर संकेत करते हुए बुद्ध ने कहा है कि श्मशान में जाकर शरीर की नश्वरता को देखा जा सकता है जिस शरीर के प्रति मानव अनुराग का भाव रखता है तथा जिसे स्थायी समझता है उस शरीर का नष्ट होना कुत्तों तथा गिद्धों का खाद्य बनना तथा धूल में मिल जाना श्मशान में दृश्य बनते हैं इन सब बातों से शरीर की तुच्छता प्रमाणित होती है इस प्रकार नाशवान वस्तुओं की स्मृति ही सम्यक स्मृति है सम्यक स्मृति का पालन एक निर्वाण इच्छुक व्यक्ति को समाधि के योग्य बना देता है इसीलिए सम्यक स्मृति सम्यक समाधि के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है आठ सम्यक समाधि राइट कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखित सात मार्गों पर चलने के बाद निर्वाण की चाह रखने वाला व्यक्ति अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध कर समाधि की अवस्था अपनाने के योग्य हो जाता है यो तो समाधि अर्थात ध्यान को चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसी न किसी रूप में मानते हैं परंतु बौद्ध और योग दर्शनों में समाधि पर विशेष जोर दिया गया है बुद्ध ने समाधि को चार अवस्थाओं को माना है जिनका वर्णन एक एक कर अपेक्षित है समाधि की प्रथम अवस्था में साधक को बुद्ध के चार आर्य सत्यों का मनन एवं चिंतन करना पड़ता है यह तर्क एवं वितर्क की अवस्था है अनेक प्रकार के संशय साधक के मन में उत्पन्न होते हैं जिनका निराकरण वह स्वयं करता है प्रथम अवस्था के बाद सभी प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास होता है ध्यान की दूसरी अवस्था में तर्क एवं वितर्क की आवश्यकता नहीं महसूस होती है इस अवस्था में आनंद एवं शांति की अनुभूति होती है आनंद एवं शांति की अनुभूति की चेतना भी इस अवस्था में वर्तमान रहती है समाधि की तीसरी अवस्था का आरंभ तब होता है जब आनंद एवं शांति की चेतना के प्रति उदासीनता का भाव आता है आनंद एवं शांति की चेतना निर्वाण प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती है इसलिए आनंद एवं शांति की चेतना से तटस्थ रहने का प्रयास किया जाता है इस अवस्था में आनंद एवं शांति को चेतना का अभाव हो जाता है परंतु शारीरिक आराम का ज्ञान विद्यमान रहता है समाधि की चौथी अवस्था में शरीर के आराम एवं शांति का भाव भी हो नष्ट जाता है इस अवस्था में दैहिक विश्राम एवं मन के आनंद की ओर किसी का भी ध्यान नहीं रहता इस अवस्था को प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति अरहत द वर्दी की संज्ञा से विभूषित हो जाता है चित्त वृत्तियों का पूर्णतया निषेध हो जाता है इस अवस्था में सभी प्रकार के दुखों का निरोध हो जाता है यह अवस्था सुख दुख से परे है यह निर्वाण की अवस्था है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञा नॉलेज शील कॉन्डक्ट समाधि कंसंट्रेशन नामक विशेष अंगों में विभाजित किया जा सकता है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं सम्यक वाक सम्यक कर्मांत सम्यक आजीविका सम्यक व्यायाम शील के अंतर्गत आते हैं शेष दो मार्ग सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि समाधि के अंतर्गत रखे जाते हैं क्षणिकवाद क्षणिकवाद्रन ऑफ मोमेंट्रिस प्रतीत समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु कारणानुसार होती है कारण के नष्ट हो जाने पर वस्तु का भी नाश हो जाता है इससे प्रमाणित होता है कि प्रत्येक वस्तु नश्वर है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत अनित्यवाद में प्रतिफलित होता है विश्व की प्रत्येक वस्तु समुद्र के जल की तरह चलायमान है संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो परिवर्तनशील न हो परिवर्तित होना विश्व की लाक्षणिक विशेषता है इस प्रकार अनित्यवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु अनित्य है चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन बुद्ध ने अनित्यवाद की व्याख्या करते हुए कहा है जो वृद्ध हो सकता है वह वृद्ध होकर ही रहेगा जिसे रोगी होना है वह रोगी होकर ही रहेगा जो मृत्यु के अधीन है वह अवश्य मरेगा जो नाशवान है उसका नाश अत्यावश्यक है धम्मपद में कहा गया है जो नित्य तथा स्वाय मालूम पड़ता है वह मी नाशवान है जो महान मालूम पड़ता है उसका भी पतन है अनित्यवाद एटनालिज्म और उच्छेदवाद, नायलिज्म का मध्य मार्ग है प्रत्येक वस्तु सत है, यह एक एकांतिक मत है प्रत्येक वस्तु असत है यह दूसरा एकांतिक मत है इन दोनों मतों को छोड़कर बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है मध्यम मार्ग का सिद्धांत यह है कि जीवन परिवर्तनशील बिकमिंग जीवन को परिवर्तनशील कहकर बुद्ध ने सत बीइंग और असत नॉन बीइंग का समन्वय किया है बुद्ध के अनित्यवाद के सिद्धांत को उनके अनुयायियों ने क्षणिकवाद में परिवर्तित किया क्षणिकवाद अनित्यवाद का ही विकसित रूप है क्षणिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षणमात्र के लिए ही रहता है यह सिद्धांत अनित्यवाद से भी आगे है क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु सिर्फ अनित्य ही नहीं है बल्कि क्षण भी है जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तु एक क्षणमात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है क्षणिकवाद के समर्थन में एक महत्वपूर्ण तर्क दिया गया है जिसकी चर्चा हम यहां करेंगे इस तर्क को अर्थ क्रिया कारित्व का तर्क कहा जा सकता है अर्थ क्रिया कारित्व का अर्थ है किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति अर्थक्रिया कारित्व लक्षणा सत्य किसी वस्तु की सत्ता को तभी तक माना जा सकता है जब तक उसमें कार्य करने की शक्ति मौजूद हो आकाश कुसुम की तरह जो असत है उससे किसी कार्य का विकास नहीं हो सकता इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई वस्तु कार्य उत्पन्न कर सकती है तब उसकी सत्ता है और यदि वह कार्य नहीं उत्पन्न कर सकती है तब उसकी सत्ता नहीं है एक वस्तु से एक समय एक ही कार्य संभव है यदि एक समय एक वस्तु से एक कार्य का निर्माण होता है और दूसरे समय दूसरे कार्य का निर्माण होता है तो इससे सिद्ध होता है कि पहली वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है क्योंकि दूसरी वस्तु के निर्माण के साथ ही साथ पहली वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है इसे बीज के उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है बीज क्षणिक है क्योंकि यदि वह नित्य होता तो उसका कार्य पौधे को उत्पन्न करना सदैव चलता परंतु ऐसा नहीं होता है बीज जब बोरे में रखा रहता है तब वह पीने को नहीं उगा पाता मिट्टी में बो देने के बाद उसमें पौधे का निर्माण होता है पौधा निरंतर परिवर्तनशील है पौधे का प्रत्येक क्षण में विकास होता जाता है विकास का प्रत्येक क्षण दूसरे क्षण से भिन्न होता है बीज की तरह संसार की समस्त वस्तुओं का अस्तित्व भी क्षणमात्र ही रहता है इसी को क्षणिकवाद कहा गया है क्षणिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक काल में फ्रेंच दार्शनिक वर्गसा ने अपनाया है उनके मतानुसार भी संसार की सारी वस्तुएं प्रत्येक क्षण परिवर्तित होती है इस प्रकार बुद्ध और वर्गसा दोनों ने परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को अपनाया है क्षणिकवाद की व्याख्या करते समय स्वभावतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रमाण संगत है इस प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में क्षणिकवाद की अनेक कमजोरियां विदित होती हैं, जिनकी चर्चा अत्यावश्यक है क्षणिकवाद का सिद्धांत कार्यकारण संबंध की व्याख्या करने में असमर्थ है यदि कारण क्षणमात्र ही रहता है तो फिर उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण की सत्ता को एक क्षण से अधिक रहनी चाहिए कारण के क्षण भंगुर होने के फलस्वरूप कार्य की उत्पत्ति को शून्य से उत्पन्न हुआ माना जा सकता है जो कि विरोधपूर्ण है अतः क्षणिकवाद का सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत का खंडन करता है क्षणिकवाद के मानने पर कर्म सिद्धांत लॉ ऑफ कर्मा का भी खंडन होता है कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म अपना फल अवश्य देते हैं यदि एक व्यक्ति ने कर्म किया और क्षणिक होने के कारण नष्ट होकर दूसरा व्यक्ति हो गया तो दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति के कर्मों का फल कैसे मिल सकता है इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है मान लीजिए कि क ने चोरी की चोरी करने के बाद वह क्षणिक होने के कारण ख हो गया चोरी की सजा का के बजाय ख को ही दी जा सकती है परंतु क के जुर्म की सजा खा को देना कर्म सिद्धांत का उल्लंघन करना है क्षणिकवाद के सिद्धांत को मान लेने पर निर्वाण का विचार भी खंडित हो जाता है जब व्यक्ति क्षणिक है तब दुख से छुटकारा पाने का प्रयास करना निरर्थक है क्योंकि दुख से छुटकारा दूसरे ही व्यक्ति को मिलेगा क्षणिकवाद के समर्थन के बाद स्मृति और प्रत्यभिज्ञा प्रतिग्नेशन की व्याख्या करना असंभव है स्मरण तभी माना जा सकता है जब स्मरणकर्ता क्षणिक न होकर कुछ समय तक स्थायी हो इसके साथ ही साथ पहचानी जाने वाली वस्तु में भी स्थिरता आवश्यक है क्षणिकवाद व्यक्ति और वस्तु को क्षणिक मानकर स्मृति और प्रत्यभिज्ञा का आधार ही नष्ट कर डालता है अनिश्वरवाद द डॉक्टर ऑफ नॉन सेल्फ बुद्ध के कथनानुसार संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक है कोई भी वस्तु किन्ही दो क्षणों में एक सी नहीं रहती आत्मा भी अन्य वस्तुओं की तरह परिवर्तनशील है यहां पर यह कहना आवश्यक न होगा कि भारत के अधिकांश दार्शनिक आत्मा को स्थायी मानते हैं आत्मा का अस्तित्व व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत एवं मृत्यु के पूर्व भी रहता है यह एक शरीर से दूसरे शरीर में मृत्यु के उपरांत प्रवेश करता है इस प्रकार आत्मा की सत्ता पुनर्जन्म के विचार को जीवित रखती है यदि आत्मा का अर्थ स्थायी तत्व में विश्वास करना है तो बुद्ध का मत अनात्मवाद कहा जा सकता है क्योंकि उनके मतानुसार स्थायी आत्मा में विश्वास करना भ्रामक है बुद्ध ने शाश्वत आत्मा का निषेध इन शब्दों में किया है विश्व में न कोई आत्मा है और न आत्मा की तरह कोई अन्य वस्तु पांच ज्ञानेन्द्रियों के आधार स्वरूप मन और मन की वेदनाएं यह सब आत्मा या आत्मा के समान किसी चीज से बिल्कुल शून्य है बुद्ध ने शाश्वत आत्मा में विश्वास उसी प्रकार हास्यास्पद कहा है जिस प्रकार कल्पित सुंदर नारी के प्रति अनुराग रखना हास्यास्पद है बुद्ध के मतानुसार आत्मा अनित्य है यह अस्थाई शरीर और मन का संकलन मात्र है विलियम जेम्स को तरह बुद्ध ने भी आत्मा को विज्ञान का प्रवाह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस माना है जिस प्रकार नदी में जल की बूंदें निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं, फिर भी उसमें एक मैता रहती है उसी प्रकार आत्मा के विज्ञान के निरंतर बदलते रहने पर भी उसमें एक मैता रहती है बौद्ध धर्मोपदेशक नागसेन ने आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिस प्रकार धूरी पहिए रस्सियों आदि के संघात विशेष का नाम रथ है उसी प्रकार पांच स्कंधों के संघात के अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है दूसरे शब्दों में आत्मा पांच स्कंधों की समष्टि का नाम है ये पांच स्कंध रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान है स्कंधों के परिवर्तनशील होने के कारण आत्मा में परिवर्तनशील है बुद्ध के आत्मा संबंधी विचार उपनिषद के आत्मा विचार के प्रतिकूल है उपनिषद दर्शन में शाश्वत आत्मा को सत्य माना गया है परंतु बुद्ध ने इसके विपरीत अनित्य आत्मा की सत्यता प्रमाणित की है इसके अतिरिक्त बुद्ध ने दृश्य जीव की सत्यता स्वीकार की है जबकि उपनिषद में दृश्यातीत आत्मा को सत्य माना गया है क्यूम के आत्मा संबंधी विचार में बुद्ध के आत्मा विचार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है ने कहा है जहाँ तक मेरा संबंध है मैं तो जब अपनी इस आत्मा को देखने के लिए इसका गहरा विश्लेषण करता हूँ तब किसी न किसी विशेष संवेदना या विज्ञान से ही टकरा कर रह जाता हूँ जो संवेदना या विज्ञान गर्मी या सर्दी प्रकाश या छाया प्रेम या घृणा दुख या सुख आदि के होते हैं किसी भी समय मुझे किसी संवेदना से भिन्न आत्मा की प्राप्ति नहीं होती और न कभी मैं संवेदना के अतिरिक्त कुछ और देख पाता हूं इस प्रकार ने आत्मा को का कहा है बुद्ध की तरह ह्यूम ने आत्मा नामक नित्य द्रव्य का खंडन किया है बुद्ध के आत्मा संबंधी विचार को जान लेने के बाद मन में स्वभावता एक प्रश्न उपस्थित होता है जब आत्मा को परिवर्तनशील माना जाता है तब इस आत्मा से पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे संभव है इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि बुद्ध की यह खूबी रही है कि उन्होंने नित्य आत्मा का निषेध कर भी पुनर्जन्म की व्याख्या की है बुद्ध के मतानुसार पुनर्जन्म का अर्थ एक आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करना नहीं है बल्कि इसके विपरीत पुनर्जन्म का अर्थ विज्ञान प्रवाह की अविच्छिन्नता है जब एक विज्ञान प्रवाह का अंतिम विज्ञान समाप्त हो जाता है तब अंतिम विज्ञान की मृत्यु हो जाती है और एक नए शरीर में एक नए विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है इसी को बुद्ध ने पुनर्जन्म कहा है बुद्ध ने पुनर्जन्म की व्याख्या दीपक की ज्योति के सहारे की है जिस प्रकार एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जा सकता है उसी प्रकार वर्तमान जीवन की अंतिम अवस्था से भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था का विकास संभव है अतः नित्य आत्मा के बिना भी बुद्ध पुनर्जन्म की व्याख्या करने में सफलीभूत हो जाते हैं अनिश्वरवाद एथिज्म बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का निषेध किया है साधारणतया कहा जाता है कि विश्व ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर विश्व का सृष्टा है ईश्वर को नित्य एवं पूर्ण माना जाता है बुद्ध के के मतानुसार यह संसार के नियम से संचालित होता है सारा विश्व उत्पत्ति और विनाश के नियम से शासित है विश्व परिवर्तनशील एवं अनित्य है इस नश्वर एवं परिवर्तनशील जगत का सृष्टा ईश्वर को ठहराना जो नित्य एवं अपरिवर्तनशील है असंगत है अतः ईश्वर को विश्व का सृष्टा मानना हास्यास्पद है यदि थोड़े समय के लिए ईश्वर को विश्व का सृष्टा मान लिया जाए तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं। यदि ईश्वर विश्व का निर्माता है तो विश्व में भी परिवर्तन एवं विनाश का अभाव होना चाहिए इसके विपरीत समस्त विश्व परिवर्तन के अधीन दीख पड़ता है विश्व की ओर देखने से हम विश्व को शुभ अशुभ सुख दुख के अधीन पाते हैं यदि ऐसी बात है तो ईश्वर को पूर्ण कहना भ्रांति मूलक है फिर ईश्वर को विश्व का सृष्टा मानने से यह विदित होता है कि ईश्वर विश्व का निर्माण किसी प्रयोजन से करता है यदि वह विश्व का निर्माण किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए करता है तब ईश्वर की अपूर्णता परिलक्षित होती है क्योंकि प्रयोजन किसी न किसी कमी को ही अभिव्यक्त करता है यदि विश्व का निर्माण करने में ईश्वर किसी प्रयोजन से नहीं संचालित होता है तब वह पागल ही कहा जा सकता है इस प्रकार तार्किक युक्ति से ईश्वर का विचार खंडित हो जाता है बुद्ध के मतानुसार यह संसार प्रतीत के नियम से ही संचालित होता है विश्व की समस्त वस्तुए कार्यकारण की एक श्रृंखला है कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अकारण हो पेड़ पौधे मनुष्य देवता सभी कार्यकारण के नियम के अधीन है कारण का नियम विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में काम करता है कुछ लोग कारण नियम के संचालक के रूप में ईश्वर को मानने का प्रयास कर सकते हैं परंतु बुद्ध के अनुसार कारण नियम के सृष्टा के रूप में ईश्वर को मानना दोषपूर्ण है क्योंकि ईश्वर किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही कारण नियम का निर्माण कर सकता है जिससे ईश्वर की अपूर्णता प्रमाणित हो जाएगी अतः कारण नियम के आधार पर ईश्वर को सिद्ध करना भ्रामक है बुद्ध बुद्धिवादी रैशनलिस्ट है बुद्धिवाद के समर्थक होने के नाते परंपरा के आधार पर ईश्वर को प्रमाणित करना उनके अनुसार अमान्य है इस प्रकार विभिन्न रूप से बुद्ध ने अनिश्वरवाद को प्रामाणिकता दी है बुद्ध ने अनिश्वरवाद से प्रभावित होकर अपने शिष्यों को ईश्वर पर निर्भर रहने का आदेश नहीं दिया उन्होंने शिष्यों को आत्मनिर्भर रहने को प्रोत्साहित किया उन्होंने आत्मदीपोभव आप ही अपना प्रकाश बनो का उपदेश देकर शिष्यों को स्वयं प्रकाश खोजने का आदेश दिया बौद्ध दर्शन के बुद्धिस्ट फिलोसफी बौद्ध दर्शन का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि यद्यपि बुद्ध ने दर्शन की व्यर्थता प्रमाणित करने का प्रयास किया फिर भी उनका दर्शन वाद विवाद से अछूता न रह सका इसका कारण बुद्ध का पूर्ण युक्तिवादी होना कहा जा सकता है उन्होंने अपने शिष्यों को बिना सोचे या समझे किसी बात को मानने की सलाह नहीं दी उनके इस दृष्टिकोण में ही नए दार्शनिक मत का बीज वर्तमान था इसके अतिरिक्त दार्शनिक मतों की उत्पत्ति का मूल कारण बुद्ध का दार्शनिक प्रश्नों के प्रति उदासीन रहना कहा जा सकता है वे दार्शनिक प्रश्नों की चर्चा करना अनावश्यक समझते थे जब उनसे आत्मा ईश्वर जगत तथा तथागत के स्वरूप के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता था तब थे मौन रहकर उन प्रश्नों का उत्तर टाल दिया करते थे बुद्ध के इस मौन की व्याख्या विभिन्न प्रकार से अनुयायियों ने करना आरंभ किया कुछ बौद्ध दार्शनिकों ने बुद्ध के इस मौन का अर्थ यह लगाया कि वे अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान असंभव मानते थे इस विचार के अनुसार बुद्ध का दार्शनिक प्रश्नों के प्रति मौन रहना उनके अनुभववाद एम्पिरिसिज्म तथा संशयवाद, स्केप्टिसिज्म का परिचायक कहा जा सकता है दूसरे दल के बौद्ध दार्शनिकों ने बुद्ध के मौन का दूसरा अर्थ लगाया बुद्ध तत्वशास्त्रीय प्रश्नों के प्रति मौन इसलिए रहते थे कि वे तत्व संबंधी ज्ञान को अनिर्वचनीय मानते थे ईश्वर आत्मा इत्यादि ऐसे विषय हैं कि उनका ज्ञान तार्किक युक्ति के द्वारा असंभव है इस प्रकार कुछ बौद्ध दार्शनिक बुद्ध के मौन के आधार पर रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म का शिलान्यास करते हैं ऊपर की चर्चा से प्रमाणित हो जाता है कि यद्यपि बुद्ध स्वयं दार्शनिक तर्क वितर्कों से अलग रहते थे फिर भी उनके परिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म में दार्शनिक वाद विवाद का सूत्रपात हुआ कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार भारतवर्षन तथा अन्य देशों में हुआ तब सभी जगह यह कठोर समालोचना का विषय बन गया बौद्ध प्रचारकों के सामने अनेक ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे जिनके उत्तर उन्हें स्वयं बुद्ध से प्राप्त नहीं हो सके थे तथा जो उन्हें स्वयं अस्पष्ट थे ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने धर्म की रक्षा तथा दूसरों को अपने धर्म के प्रति आकृष्ट करने के लिए बुद्ध के मतों का परिवर्धन करना आवश्यक समझा इसका फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म में अनेक दार्शनिक संप्रदायों का जन्म हुआ बुद्ध अपने जीवन काल में इसको कल्पना भी नहीं कर पाए थे कि उनके द्वारा प्रस्थापित यह महान धर्म आगे चलकर दर्शन के विवादों में उलझ जाएगा बुद्ध के विचारों के विपरीत बौद्ध विद्वानों ने दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश किया जिसका फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म में क्रमशः तीस से अधिक शाखाएं विकसित हो गई इनमें चार शाखाओं का भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान है ये शाखाएं निम्नलिखित हैं: एक माध्यमिक शून्यवाद दो योगाचार विज्ञानवाद तीन स्वतांत्रिक बहवान में चार वैभाषिक बौद्ध दर्शन की चार शाखाओं के वर्गीकरण की जड़ में दो प्रश्न निहित हैं, वे हैं क किस प्रकार की सत्ता का अस्तित्व है ख बाह्य वस्तु का ज्ञान किस प्रकार होता है पहला प्रश्न अस्तित्व संबंधी है जबकि दूसरा प्रश्न ज्ञान संबंधी है पहले प्रश्न के कि किस प्रकार की सत्ता का अस्तित्व है तीन उत्तर प्राप्त है पहला उत्तर यह है कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है सभी शून्य हैं। इस मत में मानसिक तथा बाह्य विषयों का निषेध हुआ है यह मत शून्यवाद के नाम से प्रतिष्ठित है यह उत्तर माध्यमिकों के अनुसार दिए गए हैं। दूसरा उत्तर यह है कि विज्ञान ही एकमात्र सत्य है विज्ञान कॉन्शियसनेस के अलावा सभी विषय असद है भौतिक विश्व का कोई अस्तित्व नहीं है इस मत को विज्ञानवाद कहा जाता है इस मत के मानने वाले को योगाचार अथवा विज्ञानवादी सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट कहा जाता है तीसरा उत्तर यह है कि मानसिक तथा विषयगत दोनों प्रकार की वस्तुएं सत्य हैं इस मत को वस्तुवाद तथा इसके समर्थकों को वस्तुवादी रियलिस्ट कहा जाता है इस मत के पोषकों को सर्वास्तित्ववादी कहा जाता है क्योंकि वे सभी वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बाह्य वस्तुओं का ज्ञान किस प्रकार होता है इस प्रश्न के दो उत्तर दिए गए हैं जिनसे सौत्रांतिक तथा वैभाषिक मतों का जन्म होता है पहला उत्तर स्वतांत्रिक द्वारा दिया गया है उनके मतानुसार बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है बल्कि उनका ज्ञान अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है अतः यह मतानुमेयवाद कहलाता है दूसरा उत्तर वैभाषिक के द्वारा दिया गया है उनके मतानुसार बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त होता है इसलिए यह मत बाह्य प्रत्यक्षवाद कहा जाता है इस प्रकार बौद्ध धर्म की चार शाखाएं निर्मित हो गई हैं। इन चार शाखाओं में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद महायान संप्रदाय के अंतर्गत है तथा बाह्यनुमवाद और बाह्य प्रत्यक्षवाद हिन्यान के अंतर्गत है हिन्यान और महायान बौद्ध मत के धार्मिक संप्रदाय है हिन्यान बौद्ध धर्म का प्राचीनतम रूप है जबकि महायान बौद्ध धर्म का विकसित रूप है हिन्यान का आदर्श संकुचित है जबकि महायान का आदर्श उदार है हिन्यान का लक्ष्य वैयक्तिक है और महायान का लक्ष्य सार्वभौम है अब हम एक एक कर बौद्ध दर्शन के संप्रदायों का विवेचन करेंगे माध्यमिक शून्यवाद शून्यवाद बौद्ध दर्शन के मुख्य संप्रदायों में गिना जाता है कुछ विद्वानों ने इस मत का प्रवर्तक नागार्जुन को माना है इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था इनके जन्म का समय दूसरी शताब्दी था नागार्जुन की माध्यमिक कारिका इस मत का आधार है अश्वघोष भी जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की शून्यवाद के समर्थक थे डॉक्टर चंद्रधर शर्मा ने नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक मानने में आपत्ति प्रकट की है इसका कारण वे यह बताते हैं कि नागार्जुन के पूर्व भी महायान सूत्र में शून्यवाद का पूर्णता उल्लेख था नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय के सबसे महान दार्शनिक थे उनके मतानुसार शून्यवाद को संगत रूप में जनता के बीच उपस्थित करने का श्रेय नागार्जुन को दिया जा सकता है प्रोफेसर विधुशेखर भट्टाचार्य ने भी नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक नहीं माना है उनके मतानुसार नागार्जुन ने शून्यवाद को क्रमबद्ध रूप में उपस्थित किया है इस विवेचन से प्रमाणित होता है कि नागार्जुन शून्यवाद के मुख्य समर्थक थे वे एक ऐसे समर्थक थे जिन्होंने शून्यवाद को पुष्पित किया उसे संवारा तथा उसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया अतः नागार्जुन को शून्यवाद का अग्रणी कहना प्रमाण संगत है साधारणता व्यक्ति शून्यवाद से यह समझते हैं कि संसार शून्यमय है दूसरे शब्दों में किसी भी वस्तु के अस्तित्व को नहीं मानना तथा पूर्णता निषेध को मानना ही शून्य कहा जाता है परंतु शून्य शब्द का यह शाब्दिक अर्थ है माध्यमिक शून्यवाद में शून्य शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थ में किया गया है परंतु अधिकांशतः पाश्चात्य एवं प्राच्य विद्वानों ने शून्य शब्द के शाब्दिक अर्थ से प्रभावित होकर शून्यवाद को गलत समझा है कुछ विचारकों ने शून्यवाद को सर्ववैनाशिकवाद भी कहा है परन्तु शून्यवाद को वस्तुतः वैनाशिकवाद कहना भ्रामक है यह नाम तभी उपयुक्त होता जब शून्यवाद किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं मानता अब प्रश्न उठता है कि शून्य शब्द का माध्यमिक मत में क्या अर्थ है शून्य का अर्थ माध्यमिक मत में शून्यता निथिलिज्म नहीं है इसके विपरीत शून्य का अर्थ वर्णनातीत इनडिस्क्राइबेबल है नागार्जुन के अनुसार परम तत्व अवर्णनीय है मानव को वस्तुओं के अस्तित्व की प्रतीति होती है परंतु जब वह उनके तात्विक स्वरूप को जानने के लिए तत्पर होता है तो उनकी बुद्धि काम नहीं देती वह यह निश्चय नहीं कर पाती कि वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप सत्य है या असत्य है या सत्य तथा असत्य दोनों है या न तो सत्य है और न असत्य ही है विश्व के विभिन्न विषयों को हम सत्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि सत्य का अर्थ निरपेक्ष होता है जितनी वस्तुओं को हम जानते हैं वे किसी न किसी वस्तु पर अवश्य निर्भर करती हैं। विश्व की विभिन्न वस्तुओं को हम असत्य भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वे प्रत्यक्ष होती है जो असत्य होता है वह आकाश कुसुम की तरह बिल्कुल अप्रत्यक्ष होता है विश्व के विषयों को हम सत्य और असत्य दोनों भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ऐसा कहना व्याघातक होगा विश्व के विषयों के संबंध में यह भी नहीं कह सकते हैं कि वे न तो सत्य हैं और न असत्य हैं क्योंकि ऐसा कहना पूर्णतः आत्मविरोधी होगा वस्तुओं का स्वरूप इन चार कोटियों से रहित रहने के कारण शून्य कहा जाता है माध्यमिक पारमार्थिक सत्ता को मानते हैं लेकिन वे उसे अवर्णनीय बतलाते हैं उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं वे प्रत्यक्ष जगत के परे पारमार्थिक सत्ता को मानते हैं लेकिन वे उसे वर्णनातीत कहते हैं नागार्जुन ने प्रतीत स्म को भी शून्यता कहा है द फैक्ट ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इज कॉल्ड बाई अता प्रतीत स्म के अनुसार वस्तुओं की पर निर्भरता पर बल दिया जाता है कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी उत्पत्ति किसी और पर निर्भर न हो अतः वस्तुओं की पर निर्भरता को तथा उनकी अवर्णनीयता को शून्य कहा गया है शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहा जाता है सापेक्षवाद के अनुसार वस्तुओं का स्वभाव अन्य वस्तुओं पर निर्भर होता है किसी भी विषय का अपना कोई निश्चित निरपेक्ष तथा स्वतंत्र स्वभाव नहीं है किसी भी वस्तु को निरपेक्ष ढंग से सत्य नहीं कहा जा सकता है शून्यवाद विषयों की पर निर्भरता को मानता है अतः इसे सापेक्षवाद कहना समीचीन है शून्यवाद को मध्यम मार्ग द मिडल पाथ भी कहा जाता है बुद्ध ने अपने जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति में मध्यम मार्ग अपनाया था बुद्ध ने अपने आचार शास्त्र में विषय भोग वर्ल्डली एंजॉयमेंट तथा आत्मबलिदान सेल्फ मोटिफिकेशन इन दोनों का त्याग करके बीच का रास्ता अपनाने का आदेश दिया परंतु मध्यम मार्ग जिसकी चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं उपरोक्त मध्यम मार्ग से पूर्णतः भिन्न है शून्यवाद को मध्यम मार्ग कहते हैं क्योंकि यह वस्तुओं को न तो सर्वथा निरपेक्ष तथा आत्मनिर्भर और न पूरा असत्य ही बतलाता है सत्य और असत्य जैसे एकांतिक मतों का निषेध कर शून्यवाद वस्तुओं के पर निर्भर अस्तित्व कंडीशनल है। बुद्ध ने उत्पाद को भी इसीलिए मध्यम मार्ग कहा है मध्यम मार्ग को अपनाने के कारण शून्यवादी को माध्यमिक कहा गया है नागार्जुन अपने चतुष्कोटी न्याय का प्रयोग करके सब विषयों का अनस्तित्व सिद्ध करते हैं वे उत्पत्ति का खंडन करते हैं वस्तु न स्वयं से उत्पन्न हो सकती है और न अन्य वस्तु से उत्पन्न हो सकती है वस्तु स्वयं और अन्य वस्तु से भी उत्पन्न नहीं हो सकती है इसलिए उत्पत्ति असंभव है इसी प्रकार नागार्जुन पंचकंद द्रव्य गुण और आत्मा को असत सिद्ध करते हैं कार्य कारण सिद्धांत भ्रम है चूंकि बुद्ध के मतानुसार कोई भी वस्तु अकारण नहीं है इसलिए समस्त विश्व ब्रह्मात्र है सभी अनुभव ब्रह्मात्र है उक्त विवेचना से प्रतीत होता है कि शून्यवाद एक नकारात्मक सिद्धांत है परंतु शून्यवाद को पूर्णता नकारात्मक सिद्धांत कहना भूल है डॉक्टर राधाकृष्णन ने शून्यता को भावात्मक सिद्धांत बतलाया है शून्यता सभी विषयों का आधार है कुमारजीव ने कहा है इट इज ऑन अकाउंट ऑफ शून्यता बिकम्स पॉसिबल विदाउट इट नथिंग इन द वर्ल्ड इज माध्यमिक ने पारमार्थिक सत्ता में विश्वास किया है उनके मतानुसार प्रतीत्य समुत्पाद या अनित्यवाद दृश्य जगत के लिए लागू है दृश्य जगत के सभी अनुभव सापेक्ष है परंतु निर्वाण में जो अनुभूति होती है वह पारमार्थिक है नित्य है तथा निरपेक्ष है यह अनुभूति दृश्य जगत के परे है यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि नागार्जुन न दो प्रकार के सत्य को मानते हैं वे हैं एक अनुभवजन्य सत्य यह सामान्य मनुष्यों के लिए है दो भावातीत सत्य यह बिल्कुल सत्य है नागार्जुन ने कहा है कि जो व्यक्ति इन दोनों सत्यों के भेद को नहीं जानते वे बुद्ध की शिक्षाओं के गूढ़ रहस्य को समझने में असमर्थ रहते हैं संवृत्ति सत्य पारमार्थिक सत्य को प्राप्त करने का साधन है संवृत्ति सत्य अविद्या मोह आदि भी कहलाता है यह तुच्छ है संवृत्ति सत्य भी दो प्रकार का होता है जो निम्नांकित है एक तथ्य संवृत्ति वह वस्तु या घटना है जो किसी कारण से उत्पन्न होता है इसे सत्य मानकर सांसारिक लोगों के व्यवहार होते हैं इस प्रकार यह लोग का सत्य है दो मिथ्या संवृत्ति यह वह घटना है जो कारण से उत्पन्न होती है परंतु इसे सभी सत्य नहीं मानते दूसरे शब्दों में इससे लोगों का व्यवहार नहीं चलता पारमार्थिक सत्य की प्राप्ति निर्वाण में होती है निर्वाण की अवस्था का वर्णन भावात्मक रूप में संभव नहीं है नागार्जुन ने निर्वाण का नकारात्मक वर्णन किया है उन्होंने कहा है कि जो अज्ञात है जो नित्य भी नहीं है जिसका विनाश भी संभव नहीं है उसका नाम निर्वाण है माध्यमिक शून्यवाद का दर्शन शंकर के वेदांत द्वैत से मिलता जुलता है नागार्जुन ने दो प्रकार के सत्य संवृत्ति और पारमार्थिक सत्य को माना है शंकर के वेदांत दर्शन में संवृत्ति सत्य और पारमार्थिक सत्य के समानांतर व्यावहारिक सत्य तथा पारमार्थिक सत्य को माना गया है इन दो प्रकार के सत्यों के अतिरिक्त शंकर प्रतिभासिक सत्य जिसको सिर्फ प्रतीति होती है को भी मानते हैं नागार्जुन ने सभी विषयों को पारमार्थिक दृष्टिकोण से ही असत कहा है शंकर ने भी पारमार्थिक दृष्टिकोण से ईश्वर जगत को असद और माया मान लिया है माध्यमिक शून्यवाद और शंकर के दर्शन में जगत को एक ही धरातल पर रखा गया है नागार्जुन वस्तु जगत को असत्य मानते हैं शंकर ने भी जगत को सत्य नहीं माना है नागार्जुन ने पारमार्थिक सत्य का नकारात्मक वर्णन किया है शंकर ने भी पारमार्थिक सत्य ब्रह्मा का नकारात्मक वर्णन किया है नागार्जुन का शून्य और शंकर का निर्गुण ब्रह्मा एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं इन समानताओं के कारण कुछ विद्वानों ने शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध बुद्धा इन डिस्काइज कहा है योगाचार विज्ञान बाद योगाचार विज्ञानवाद के प्रवर्तक असंग और वसुबंधु थे लंकावतार सूत्र विज्ञानवाद का मुख्य ग्रंथ माना जाता है इस ग्रंथ के अतिरिक्त असंग द्वारा लिखित पुस्तकों से भी योगाचार का ज्ञान प्राप्त होता है ऐसी पुस्तकों में महायान सूत्रालंकार मध्यांत विभाग आदि मुख्य है योगाचार संप्रदाय की परंपरा को जीवित रखने का श्रेय दिडनाग ईश्वरसेन धर्मपाल धर्म कीर्ति आदि विचारकों को ठहराया जाता है यह संप्रदाय तिब्बत चीन जापान मंगोलिया आदि स्थानों में प्रचलित है इस संप्रदाय का विकास उक्त स्थानों में अनेक उप संप्रदायों में हुआ है विज्ञानवाद के मतानुसार विज्ञान कॉन्शियसनेस सत्य है माध्य निको ने बाह्य वस्तुओं तथा चित्त के अस्तित्व को नहीं माना है विज्ञानवादी बाह्य वस्तुओं की सत्ता का खंडन करते हैं परंतु चित्त की सत्ता में विश्वास करते हैं उनका कहना है कि यदि विज्ञान अर्थात मन की सत्ता को नहीं माना जाए तब सभी विचार असिद्ध हो जाते हैं अतः विचार की संभावना के लिए चित्त को मानना अपेक्षित है विज्ञानवाद शून्यवाद से भिन्न है शून्यवादी चित्त और अचित दोनों के अस्तित्व को नहीं मानते हैं जबकि योगाचार विज्ञानवादी चित्त की सत्ता में विश्वास करता है विज्ञानवाद विज्ञान को एकमात्र सत्य मानता है लंकावतार सूत्र के अनुसार विज्ञान के अतिरिक्त सभी धर्म असद है काम मैटर रूप एफ आर अरूप नो फॉर्म तीनों लोक किसी विज्ञान के विकल्प है किसी भी बाहरी वस्तु का अस्तित्व नहीं है जो कुछ है वह विज्ञान है ऑल दैट इज कॉन्शियसनेस इसी प्रकार वसुबंधु ने भी विज्ञान को एकमात्र तत्व माना है विज्ञानवाद बाह्य पदार्थ के अस्तित्व को अस्वीकार करता है इसके अनुसार जैसा कहा गया है चित्त ही एकमात्र सत्ता है ऐसे पदार्थ जो मन से बहिर्गत मालूम पड़ते हैं वे सभी गन के अंतर्गत हैं। जिस प्रकार स्वप्न की अवस्था में मानव वस्तुओं को बाह्य समझता है यद्यपि वे मन के अंतर्गत ही रहती है उसी प्रकार साधारण मानसिक अवस्थाओं में बाह्य प्रतीत होने वाला पदार्थ विज्ञान मात्र है सभी बाह्य पदार्थ विज्ञान मात्र है इस प्रकार विज्ञानवादी मन के बाहर के शरीर आदि सभी पदार्थों को मानसिक विकल्प आइडिया मानते हैं धर्म कीर्ति के अनुसार नीले रंग तथा नीले रंग के ज्ञान का वस्तुतः कोई अलग अस्तित्व नहीं है दोनों एक हैं। वे भ्रम के कारण दो मालूम पड़ते हैं जैसे दृष्टि दोष के कारण कोई व्यक्ति दो चंद्रमा देखे तो वैसी हालत में चंद्रमा का दो होना नहीं प्रमाणित होता है जिस प्रकार स्वप्न में बाहरी मालूम होने वाली चीजें मन के अंदर ही होती हैं उसी प्रकार साधारण मानसिक अवस्था में बाहर मालूम होने वाला पदार्थ मन में ही रहता है इससे प्रमाणित हो जाता है कि ज्ञान से भिन्न वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है विज्ञान के दो भेद हैं एक प्रवृत्ति विज्ञान इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस दो आलय विज्ञान एप्सल्यूट कॉन्शियसनेस प्रवृत्ति विज्ञान के सात भेद हैं वे हैं चक्षु विज्ञान श्रोत्र विज्ञान धारण विज्ञान रसना विज्ञान काय विज्ञान मनोविज्ञान तथा विशिष्ट मनोविज्ञान पहले पांच विज्ञानों से वस्तु का ज्ञान होता है मनोविज्ञान से उस पर विचार किया जाता है विशिष्ट मनोविज्ञान से उसका प्रत्यक्ष होता है इन सबको संयोजन करने वाला चित है जिसे आलय विज्ञान कहा जाता है आलय विज्ञान आलय विज्ञान विभिन्न विज्ञानों का आलय है आलय का अर्थ है घर प्रवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान पर अवलंबित है सभी ज्ञान बीज रूप में यहां एकत्रित रहते हैं आलय विज्ञान सभी विज्ञानों का आधार है आलय विज्ञान दूसरे दर्शनों की आत्मा के समान प्रतीत होता है आत्मा और आलय विज्ञान में एक मुख्य भेद यह है कि आत्मा नित्य है जबकि आलय विज्ञान साधारणतः परिवर्तनशील माना जाता है। आलय विज्ञान का अर्थ है परिवर्तनशील चेतना का प्रवाह एवर चेंजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस परंतु लंकावतार के अनुसार आलय विज्ञान नित्य परमानेंट अमर इमोटल तथा कभी ना बदलने वाला विज्ञान का आलय है यदि आल्य विज्ञान का यह अर्थ लिया जाए तब वह अन्य दर्शनों की आत्मा के सदृश हो जाएगा विज्ञानवाद के अनुसार विज्ञान कॉन्शियसनेस से अलग किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है योगाचार बाह्य वस्तु के अस्तित्व का खंडन करता है उसका कहना है कि यदि बाह्य वस्तु के अस्तित्व को माना भी जाए तो उसका ज्ञान नहीं हो सकता है यदि कोई बाह्य वस्तु है तो या तो वह एक अनुमात्र है अथवा कई अणुओं का योगफल है यदि वह एक अणु है तो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता क्योंकि अणु अत्यंत ही सूक्ष्म होता है इसके विपरीत यदि वह अनेक अणुओं का योगफल है तो पूरी वस्तु का एक साथ प्रत्यक्ष होना संभव नहीं है इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है मान लीजिए हम एक टेबल को देखना चाहते हैं संपूर्ण टेबल को एक साथ देखना असंभव है हम टेबल को जिस ओर से देखते हैं टेबल का वही अंश हमें दिखता है उसका दूसरा अंश दृष्टिगोचर नहीं होता है यहां पर यह कहा जा सकता है कि टेबल के एक एक अंश को देखकर संपूर्ण टेबल का ज्ञान संभव हो सकता है परंतु एक एक भाग को देखना संभव नहीं है क्योंकि यहां पर भी वही कठिनाई उपस्थित हो जाती है जो पूरे टेबल को देखने में होती है इस विवेचन से प्रमाणित होता है कि मन से भिन्न किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है विज्ञानवाद बाह्य वस्तु की अनुपस्थिति क्षणिकवाद मोमेंटिस के सिद्धांत के आधार पर प्रमाणित करता है वस्तुओं का ज्ञान उत्पत्ति पर ही निर्भर करता है परंतु जो ही वस्तु की उत्पत्ति होती है त्यों ही उसका नाश हो जाता है अतः वस्तु का ज्ञान तभी हो सकता है जब एक ही क्षण में वस्तु और उसका ज्ञान दोनों हो जाए परंतु वस्तु ज्ञान का कारण है और ज्ञान कार्य है कारण और कार्य दोनों एक ही समय में नहीं हो सकते कारण का आगमन कार्य के पूर्व होता है जो ही वस्तु का निर्माण होता है त्यों ही उसका नाश हो जाता है नाश के बाद उसके ज्ञान का प्रश्न नहीं उठता अतः बाह्य विषयों का ज्ञान असंभव है ऊपर वर्णित विचारों से प्रमाणित होता है कि ज्ञान के अतिरिक्त विषयों का अस्तित्व नहीं है जो वस्तु बाह्य मालूम होती है वह भी मन का प्रत्यय ही है टेबल, कुर्सी घट इत्यादि सभी बाह्य पदार्थ मन के प्रत्यय मात्र हैं। इस मत को पाश्चात्य दर्शन में सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहा जाता है परंतु तो यहाँ पर यह कह देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि विज्ञानवाद ने यह कहकर कि वस्तु का अस्तित्व उसके ज्ञान से भिन्न नहीं है वर्कले के एस एस सिद्धांत की सत्यता को प्रमाणित किया है परंतु इससे यह समझना कि योगाचार विज्ञानवाद बर्कले के सब्जेक्टिव आइडियलिज्म से अभिन्न है भ्रामक होगा बर्कले के सब्जेक्टिव आइडियलिज्म और विज्ञानवाद में एक सूक्ष्म अंतर है जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है बर्कले के मतानुसार जो ज्ञाता नोअर ऑपरसिव वह सत्य है परंतु प्रत्यक्ष का विषय नोन ऑपरसिव अर्थात बाह्य वस्तु असत्य है विज्ञानवाद में इसके विपरीत ज्ञाता नोअर और सब्जेक्ट और गे नोन और ऑब्जेक्ट दोनों को असत्य माना गया है यही कारण है कि असंग और वसुबंधु ने जीवात्मा को असत बतलाया है जीवात्मा को असत बतलाने का अर्थ है ज्ञाता को असत बतलाना क्योंकि जीवात्मा ही ज्ञान प्राप्त करता है विषय को जैसा हम लोगों ने देखा है विज्ञानवाद सत्य नहीं मानता है विज्ञानवाद के अनुसार विज्ञान कॉन्शियसनेस ही एकमात्र सत्य माना गया है विज्ञान ज्ञाता और गे की विशेषताओं से शून्य है महायान संपरिग्रह शास्त्र में असंग ने योगाचार मत की प्रधान दस विशेषताओं का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है एक आलय विज्ञान समस्त जीवों में व्याप्त है दो ज्ञान तीन प्रकार का है भ्रामक इल्यूजरी सापेक्ष रिलेटिव तथा निरपेक्ष एप्सल्यूट तीन बाह्य जगत और आंतरिक जगत परमधाम की ही अभिव्यक्ति है चार छह सिद्धियां आवश्यक हैं। पांच बुद्धत्व पाने के लिए बुद्ध सत्य की दस अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है छ महायान हिन्यान की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है हिन्यान व्यक्तिवादी स्वार्थी तथा संकीर्ण है इसने बुद्ध के उपदेशों को गलत समझा है सात बोधि के द्वारा बुद्ध के धर्मकाय से एक होना ही लक्ष्य है आठ विषय विषय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट द्वैत को पार कर शुद्ध चेतना से एकता स्थापित करना वांछनीय है नौ पारमार्थिक दृष्टिकोण से संसार और निर्वाण में कोई भी अंतर नहीं है नानात्व को त्याग कर तथा समत्व को अपनाकर निर्वाण यही प्राप्त किया जा सकता है दस धर्म काय बुद्ध का शरीर तत्व है यह पूर्ण शुद्ध चेतना है इसकी अभिव्यक्ति संसार की दृष्टि से निर्माण काय तथा निर्वाण की दृष्टि से संभोगकाय में होती है विज्ञानवादी को योगाचार कहा गया है योगाचार का अर्थ प्रैक्टिस ऑफ योगा है विज्ञानवादी विज्ञान के अस्तित्व को प्रतिपादित करने के लिए योग का अभ्यास करते थे योग के आचरण के आधार पर वे बाह्य जगत की काल्पनिकता को प्रमाणित करने का प्रयास करते थे इसीलिए उन्हें योगाचार की संज्ञा दी गई है सौत्रांतिक बाह्य अनुमानवाद सौत्रांतिक और वैभाषिक मत हिन्यान संप्रदाय के दो रूप हैं। सौत्रांतिक मत की चर्चा कर लेने के बाद हम वैभाषिक मत की व्याख्या करेंगे सौत्रांतिक मत सूत पिटक पर आधारित रहने के कारण सौत्रांतिक कहा जाता है कुमार भट्ट इस मत के समर्थक हैं। सौत्रांतिक चित्त तथा बाह्य वस्तुओं दोनों के अस्तित्व को मानते हैं विज्ञानवादियों ने बाह्य जगत के अस्तित्व का खंडन किया है परंतु सौत्रांतिक उनके विपरीत बाह्य जगत को चित्त के समान सत्य मानते हैं समकालीन काल में मूर जैसे दार्शनिक ने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की समालोचना करने के लिए जिन तर्कों का प्रयोग किया है वे सौत्रांतिक द्वारा विज्ञानवाद की आलोचना के निमित्त दी गई युक्तियों से मिलते जुलते हैं सौत्रांतिक बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए योगाचार विज्ञानवाद की समालोचना करना आवश्यक समझते हैं योगाचार विज्ञानवाद बाह्य वस्तुओं की सत्ता का निषेध कर उन्हें विज्ञान मानते हैं सौत्रांतिक विज्ञानवाद के दृष्टिकोण को अमान्य बतलाते हैं एक योगाचार विज्ञानवाद का कथन है कि विषय और उसके ज्ञान अभिन्न है नीले रंग तथा नीले रंग के ज्ञान अभिन्न है क्योंकि दोनों का प्रत्यक्षीकरण साथ ही साथ होता है परंतु इसके विरुद्ध सौत्रांतिक का कहना है कि बाह्य वस्तु और उसके ज्ञान को इसलिए अभिन्न मानना कि उनको अनुभूति एक ही साथ होती है भ्रामक है संवेदना और उसके विषय का अनुभव एक ही साथ होता है परंतु इससे यह नहीं प्रमाणित होता कि संवेदना और उसके विषय में तादात्म्य है दो वस्तु ज्ञान से भिन्न है ज्ञान आभ्यंतर अथवा आत्मनिष्ठ है परंतु वस्तु बाह्य अथवा विषयगत ऑब्जेक्टिव है वस्तु उसके ज्ञान से स्वतंत्र है वस्तु और उसका ज्ञान दोनों को एक ही काल और स्थान में पाना कठिन है अतः वस्तु और उसका ज्ञान एक दूसरे से पृथक है तीन यदि वस्तु सिर्फ ज्ञान मात्र होती तो वस्तु की अनुभूति अहम के रूप में होती ना कि वस्तु के रूप में घट को देखकर हम यह नहीं कहते हैं मैं ही घट हूं इसके विपरीत हम यह कहते हैं कि यह घट है इससे प्रमाणित होता है कि बाह्य वस्तु को ज्ञान मात्र मानना भ्रांति मूलक है चार योगाचार विज्ञानवाद का कथन है कि ज्ञान ही ब्रह्मश बाह्य वस्तु के रूप में प्रतीत होता है दूसरे शब्दों में ज्ञान और वस्तु का भेद भ्रमात्मक है ज्ञान नहीं एकमात्र सत्य है सौत्रांतिक का इसके विरुद्ध में कहना है कि यदि बाह्य वस्तु पूर्णता असद है तो आंतरिक ज्ञान की प्रतीति विषयों के रूप में असंभव है वाह्य वस्तु को ज्ञान की प्रतीति मानना उसी प्रकार अर्थहीन है जिस प्रकार बंध्यापुत्र पांच यदि बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व नहीं होता तो सभी ज्ञान को हम समान मानते दूसरे शब्दों में घट ज्ञान और पटज्ञान में कोई भेद नहीं होता यदि दोनों केवल ज्ञान हैं, तो दोनों एक हैं। परंतु घट ज्ञान और को हम एक नहीं मानते हैं इससे प्रमाणित होता है कि सभी ज्ञान समान नहीं है छे, सौत्रांतिक का कहना है कि हम बाह्य वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तथा उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है अतः ऐसा मानना कि आंतरिक ज्ञान की प्रतीति बाह्य वस्तुओं के रूप में होती है अमान्य है योगाचार विज्ञानवाद की समालोचना कर सौत्रांतिक बाह्य वस्तुओं की सत्ता में विश्वास करते हैं परंतु उनसे जब पूछा जाता है कि बाह्य वस्तु का ज्ञान किस प्रकार होता है तो वे कहते हैं कि बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है बल्कि उसके प्रतिरूप का ही ज्ञान होता है बाह्य विषय मन में प्रतिरूप उत्पन्न करते हैं बाह्य विषयों के अलग अलग आधार के अनुसार उनके प्रतिरूप भी अलग अलग होते हैं इनकी भिन्नता से हम बाह्य विषयों की भिन्नता का अनुमान करते हैं इस प्रकार बाह्य विषयों का ज्ञान उनसे उत्पन्न मानसिक आकारों से अनुमान द्वारा प्राप्त होता है इसलिए इस मत को बाह्यात्मयवाद कहा जाता है यह मत परोक्ष यथार्थवाद इनडायरेक्ट रियलिज्म कहा जाता है क्योंकि बाह्य वस्तुओं का ज्ञान उनके द्वारा उत्पन्न मन में प्रतिरूपों के आधार पर होता है बाह्य पदार्थ मन पर अपने चित्र अंकित करते हैं और उसी से उनके अस्तित्व का अनुमान किया जाता है वह मत वस्तुवाद कहा जाता है क्योंकि वस्तुओं का ज्ञान मन के चाहने भर से नहीं हो जाता है वस्तुओं का अस्तित्व मन से स्वतंत्र है सौत्रांतिकों के अनुसार ज्ञान के चार कारण माने गए हैं इनके संयोजन से केवल ज्ञान ही संभव है वे इस प्रकार हैं: एक आलंबन ऑब्जेक्ट मेज कुर्सी इत्यादि बाह्य विषय को आलंबन कारण कहते हैं क्योंकि वे ज्ञान के आकार का निर्माण करते हैं दो समंतर माइंड ज्ञान के लिए चेतन मन तथा पूर्ववर्ती मानसिक अवस्था का रहना आवश्यक है जो आकार का ज्ञान दे सके तीन अधिपति सेंस इंद्रियों को ज्ञान का अधिपति प्रत्यय कहा गया है किसी विषय का ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर है आलंबन और समंतर के रहते हुए भी इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है चार सहकारी प्रत्यय ऑक्सिलरी कंडीशन आकार आवश्यक दूरी आदि भी ज्ञान के सहायक कारण है ज्ञान के लिए इनका रहना नितांत आवश्यक है सौत्रांतिक वाह्य जगत में परमाणुओं का निवास मानते हैं परमाणु निर्वै होते हैं वे परस्पर संयुक्त नहीं होते हैं सौत्रांतिक व्यक्ति विशेष को यथार्थ मानते हैं व्यक्ति विशेष से अलग सामान्य की सत्ता नहीं है ये सामान्य की सत्ता का खंडन करते हैं जहां तक निर्वाण की धारणा का संबंध है सौत्रांतिक निर्वाण का अर्थ दुखों का अभाव मानते हैं निर्वाण का अर्थ बुझ जाना है यहां निर्वाण के संबंध में निषेधात्मक मत पर बल दिया गया है सौत्रांतिकों के अनुसार प्रमाण दो माने गए हैं वे हैं प्रत्यक्ष और अनुमान अनुमान दो प्रकार का माना गया है स्वार्थानुमान और परार्थानुमान स्वार्थानुमान अपने ज्ञान के लिए तथा परार्थानुमान दूसरे के संशय को दूर करने के निमित्त किया जाता है वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद बौद्ध धर्म के संबंध में कश्मीर में विशेषात्मक विचार विद्यमान थे इसलिए बौद्ध धर्म के समर्थकों ने एक सभा का आयोजन किया उस सभा में अभिधर्म पर विभाषा नामक एक प्रकांड टीका लिखी गई वैभाषिक मत मूलतः विभाषा पर ही आधारित था इसलिए इसका नाम वैभाषिक पड़ा है दूसरे शब्दों में विभाषा में श्रद्धा रखने के कारण इस संप्रदाय को वैभाषिक कहा गया है वैभाषिक चित्त और जड़ दोनों की सत्ता को मानते हैं ये सभी वस्तुओं के अस्तित्व में विश्वास करते हैं इसलिए इन्हें सर्वास्तित्ववादी की संज्ञा दी गई है ये सभी विषयों का अस्तित्व भूत वर्तमान और भविष्य में मानते हैं वसुबंधु ने सर्वास्तित्ववादी उन्हें कहा है जो सभी विषयों का अस्तित्व तीनों कालों में अर्थात भूत वर्तमान तथा भविष्य में स्वीकार करते हैं वैभाषिक अपने मत की पुष्टि बुद्ध के वचनों की विश्वसनीयता से करते हैं बुद्ध ने स्वयं कहा है कि अतीत वर्तमान और भविष्य में विषयों का अस्तित्व है वैभाषिक का कहना है कि विषयों के रहने पर ही उनकी चेतना संभव होती है हमें भिन्न भिन्न काल के विषयों की चेतना होती है जिससे प्रमाणित होता है कि उनका अस्तित्व है इस प्रकार वैभाषिक तीनों काल के विषयों की सत्ता मानते हैं वैभाषिक बाह्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष से मानते हैं वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष को छोड़कर किसी उपाय से नहीं हो सकता वस्तुओं का ज्ञान मानसिक प्रतिरूपों के आधार पर मानना भ्रामक है यदि किसी व्यक्ति ने कोई बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं किया है तो वह यह नहीं समझ सकता कि कोई मानसिक अवस्था बाह्य वस्तु का प्रतिरूप है इससे हमें मानना पड़ता है कि बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है इसीलिए वैभाषिक मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद कहा जाता है सौत्रांतिक बाह्य विषयों को अनुमान पर आधारित मानते हैं वैभाषिक ने उनके मत की आलोचना करते हुए कहा है कि ज्ञान से बाह्य विषयों का अनुमान लगाना विरुद्ध भाषा है यदि सभी बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व उनके ज्ञान से लगाया जाए तो फिर किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है क्योंकि अनुमान का आधार प्रत्यक्ष है यदि आग से घूम की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान कभी न मिले तो घूम को देखकर आग का अनुमान नहीं किया जा सकता इसी तरह बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान कभी न होने से प्रतिरूपों के आधार पर उनका अनुमान नहीं किया जा सकता अतः सौत्रांतिक का मत समीचीन नहीं है वैभाषिक बाह्य विषयों को प्रत्यक्ष का विषय मानते हैं प्रत्यक्ष को कल्पना तथा ज्ञान से रहित माना गया है इंद्रिय ज्ञान मनोविज्ञान आत्मसंवेदन तथा योग विज्ञान प्रत्यक्ष के चार प्रकार हैं। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान को भी प्रमाण माना गया है धर्म शब्द का प्रयोग वैभाषिक मत में अधिक हुआ है इसलिए धर्म का अर्थ जानना अपेक्षित है धर्म भूत और चित्त के सूक्ष्म तत्वों को कहते हैं संपूर्ण विश्व धर्मों का संघात है धर्म चार हैं। वे हैं पृथ्वी जल वायु और अग्नि पृथ्वी कठोर हार्ड ए जल ठंडा कोल्ड ए अग्नि में गर्मी है, वायु गतिशील है आकाश को वैभाषिक ने धर्म नहीं माना है विषयों को वैभाषिक ने अणुओं का संघात माना है अणु अविभाज्य है अणु में रूप शब्द संवाद आकार नहीं होता है अणु एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं वैभाषिक ने निर्वाण को भावरूप माना है इसमें दुख का पूर्णतः विनाश हो जाता है यह आकाश की तरह अनंत है निर्वाण अनिर्वचनीय है इस प्रकार निर्वाण के संबंध में जो भावात्मक दृष्टिकोण है उसकी मीमांसा वैभाषिक ने की है वैभाषिक मत तथा सौत्रांतिक मत में अनेक समानताएं हैं फिर भी दोनों मतों में कुछ गौण बातों को लेकर अंतर है सौत्रांतिक तथा वैभाषिक सत के बीच जो साम्य है उन्हें जानने के पूर्व उनके बीच जो भिन्नताएं हैं उनका उल्लेख करना आवश्यक है वैभाषिक के मतानुसार बाह्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है बाह्य विषयों को प्रत्यक्ष का विषय मानने के कारण उन्हें बाह्य प्रत्यक्षवादी कहा गया है इसके विपरीत सौत्रांतिक का कहना है कि बाह्य विषय का ज्ञान अनुमानजन्य है इसलिए उसे बाह्यनुमयवाद कहा गया है क्योंकि वह बाहरी वस्तुओं के अस्तित्व को अनुमान सिद्ध मानता है इसी कारण वैभाषिक के मत को अप्रोक्ष यथार्थवाद डायरेक्ट रियलिज्म तथा सौत्रांतिक के मत को परोक्ष यथार्थवाद इनडायरेक्ट रियलिज्म कहा गया है सौत्रांतिक सूत्रपिटक पर आधारित है जबकि वैभाषिक विभाष पर आधारित है सौत्रांतिक और वैभाषिक में निर्वाण का विचार लेकर भी मतभेद है सौत्रांतिक ने निर्वाण का अर्थ बुझ जाना कहा है इसमें केवल दुखों का नाश होता है परंतु वैभाषिक ने निर्वाण को भावरूप माना है सौत्रांतिक ने निर्वाण के निषेधात्मक मत पर बल दिया है जबकि वैभाषिक ने निर्वाण के भावात्मक मत को अपनाया है अब हम सौत्रांतिक और वैभाषिक मत के बीच जो साम्य है उनका उल्लेख करेंगे सौत्रांतिक और वैभाषिक में पहला साम्य यह है कि दोनों ने चित्त और वस्तु के अस्तित्व को माना है इसलिए दोनों को सर्वास्तित्ववादी कहा गया है दोनों में दूसरा साम्य यह है कि दोनों ने जड़ तत्व की इकाई अणु को माना है दोनों ने ही अणु के चार प्रकार माने हैं पृथ्वी जल वायु और अग्नि के परमाणुओं को दोनों ने माना है दोनों में तीसरा साम्य यह है कि दोनों ने वस्तुओं और चित्त को धर्मों का संघात माना है इसलिए दोनों को संघातवादी कहा गया है सौत्रांतिक और वैभाषिक में चौथा साम्य यह है कि दोनों ने प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण माना है इन समानताओं का कारण यह है कि दोनों मतों का विकास हिन्यान संप्रदाय से हुआ है हिन्यान संप्रदाय की सामान्य उपज रहने के कारण दोनों एक दूसरे से अत्यधिक मिलते जुलते हैं बौद्ध मत के धार्मिक संप्रदाय द रिलीजियस स्कूल ऑफ बुद्धिज्म जब हम विश्व के धर्मों का सिंहावलोकन करते हैं तो पाते हैं कि उनका विभाजन भिन्न भिन्न संप्रदायों में हो पाया है इसे हम विश्व के समस्त धर्म के लिए सत्य माने या न माने हमें विश्व के अधिकांश धर्मों के संबंध में यह बात माननी ही पड़ती है धर्म का इतिहास ही इस बात का साक्षी कहा जा सकता है ईसाई धर्म का विभाजन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मतों में इस्लाम का विभाजन सुन्नी और शिया मत में जैन धर्म का विभाजन दिगंबर तथा श्वेतांबर संप्रदायों में उक्त कथन की प्रामाणिकता की ओर संकेत करता है अन्य धर्मों की तरह बौद्ध धर्म का विभाजन भी संप्रदायों में हुआ है ऐसे संप्रदाय मूलतः दो हैं इन्हें हिन्यान, है। हिन्यान बौद्ध धर्म का प्राचीनतम रूप है महायान बौद्ध धर्म का विकसित रूप है अब इन दोनों मतों पर हम पृथक पृथक विचार करेंगे हिन्यान हिन्यान बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है इस धर्म का आधार पाली साहित्य है जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं संग्रहित है यह प्राचीन बौद्ध दर्शन की परंपरा को मानता है इसी कारण इसे मौलिक एवं प्राचीन धर्म कहा गया है यह धर्म लंका श्याम वर्मा आदि देशों में प्रचलित है हिन्यान में सभी वस्तुओं को क्षणभंगुर माना गया है साधारणता नित्य समझी जाने वाली वस्तुएं भी असद है वे मूलतः अभाव रूप है हिन्यान में आत्मा की सत्ता को नहीं माना गया है यहां अनात्मवाद की मीमांसा हुई है इस प्रकार हिन्यान में सभी द्रव्यों अथवा व्यक्तियों के अस्तित्व का निषेध हुआ है हिन्यान में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया है जब ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो ईश्वर को विश्व का सृष्टा एवं पालनकर्ता कहने का प्रश्न ही निरर्थक है अनिश्वरवादी धर्मम होने के कारण यह जैन धर्म से मिलता जुलता है ईश्वर का स्थान हिन्यान संप्रदाय में कम्म तथा धम्म को दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार शरीर मन तथा निवास स्थान को अपनाता है संसार का नियामक हिन्यान के अनुसार धम्म है धम्म के कारण व्यक्ति के कर्मफल का नाश नहीं होता है इस प्रकार धम्म का हिन्यान मत में महत्वपूर्ण स्थान है धम्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों को संघ ऑर्गेनाइज चर्च में निष्ठा रखनी पड़ती है अपने धर्म के अनुयायियों के साथ संगबद्ध होने के फलस्वरूप साधक को आध्यात्मिक बल मिलता है बौद्ध धर्म के प्रत्येक अनुयायी को बुद्धम शरणम गच्छामी धम्मम शरणम गच्छामी संगण शरणम गच्छामी आई टेक रेफ्यूज इन बुद्धा इन द लॉ इन दिगेशन का व्रत लेना परमावश्यक है इस प्रकार हिन्यान में बुद्ध धम्म और संघ इन तीनों को शिरोधार्य करने का आदेश दिया गया है हिन्यान के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य अर्हत होना या निर्वाण प्राप्त करना है निर्वाण का अर्थ बुझ जाना है जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके प्रकाश का अंत हो जाता है उसी प्रकार निर्वाण प्राप्ति के बाद मानव के समस्त दुखों का नाश हो जाता है निर्वाण को अभाव रूप माना गया है इसका फल यह होता है कि निर्वाण का आदर्श उत्साहवर्धक तथा प्रेरक नहीं रह जाता है हिन्यान में स्वावलंबन पर जोर दिया गया है प्रत्येक मनुष्य अपने प्रयत्न से ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है निर्वाण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बुद्ध के चार आर्य सत्यों का मनन एवं चिंतन करना आवश्यक है उसे किसी बाह्य सहायता की कामना करने के बजाय अपने कल्याण के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए स्वयं बुद्ध ने कहा है आत्मदीपो भव। बुद्ध के अंतिम शब्दों में भी जो इस प्रकार है सवयव पदार्थ या संघात सभी नाशवान है परिश्रम के द्वारा अपनी मुक्ति का प्रयास करना चाहिए आत्मनिर्भर रहने का आदेश है हिन्यान को इस कठिन आदेश के कारण कठिनयान में कहा गया है हिन्यान के मतानुसार व्यक्ति को सिर्फ निजी मोक्ष की चिंता करनी चाहिए यही कारण है कि हिन्यान के अनुयायी अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं हिन्यान का यह आदर्श संकुचित है क्योंकि इसमें लोक कल्याण की भावना का निषेध हुआ है इसके अतिरिक्त हिन्यान के इस विचार में स्वार्थ परता मौजूद है क्योंकि व्यक्ति निजी मुक्ति को ही अपना अभीष्ट मानता है इस प्रकार हिन्यान में परार्थ की भावना का निषेध हुआ है हिन्यान में लोक कल्याण की भावना का खंडन होने के कारण महायानियों ने इसे हीन तथा अपने मत को महान कहा है क्योंकि महायान लोक कल्याण की भावना पर आधारित है हिन्यान का उपरोक्त विचार बुद्ध के निजी उपदेश तथा व्यवहार से असंगति रखता है बुद्ध लोकसेवा को अत्यधिक महत्व देते थे लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित होकर वे विश्व का परिभ्रमण करते रहे तथा जनता को उपदेश देते रहे उनके उपदेश में संसार के दुख से मुक्ति पाने का आश्वासन था इसके अतिरिक्त वे लोक कल्याण तथा धर्म प्रचार की भावना से भिक्षुओं को भिन्न भिन्न देशों में भेजते रहे इससे प्रमाणित होता है कि बुद्ध ने स्वार्थ प्रायणता का खंडन किया है हिन्यान में सन्यास को प्रश्रय दिया गया है विशुद्ध मार्ग में कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्वाण को अपनाना चाहता है उसे श्मशान में जाकर शरीर और जगत की अनित्यता की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए हिन्यान अपने चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इंद्रिय सुख का दमन करते हैं तथा एकांत में जीवन व्यतीत करते हैं इस प्रकार सामाजिक जीवन का भी हिन्यान में खंडन हुआ है कहा गया है कि सामाजिक जीवन को व्यतीत करने से आसक्ति की भावना का उदय होता है जिसके फलस्वरूप दुख का आविर्भाव होता है बुद्धिमान व्यक्ति को पारिवारिक बंधन को त्यागने का आदेश दिया गया है अतः हिन्यान में भिक्षु जीवन अथवा संन्यास को नीति सम्मत बतलाया गया है तथा इच्छा या वासना से विरक्ति का समर्थन किया गया है हिन्यान में बुद्ध को महात्मा के रूप में माना गया है वे साधारण मनुष्य से इस अर्थ में उच्च थे कि उनकी प्रतिभा विलक्षण थी बुद्ध उपदेशक थे उन्होंने जनता को सत्य का पाठ पढ़ाया हिन्यानियों के अनुसार सभी लोगों में बुद्ध बनने की शक्ति नहीं होती वह तो तपस्या से उत्पन्न होती है इन सबों के बावजूद बुद्ध को हिन्यान में ईश्वर नहीं माना गया है बुद्ध को उपास्य कहना भ्रामक है हिन्यान में स्वावलंबन और संन्यास के आदर्श को माना गया है ये आदर्श इतने कठिन एवं कठोर है कि इनका पालन सबों के लिए संभव नहीं है इसीलिए महायान के समर्थकों ने हिन्यान को छोटी गाड़ी अथवा छोटा पंथ कहा है इसका कारण यह है कि हिन्यान के द्वारा कम ही व्यक्ति जीवन के लक्ष्य स्थान तक जा सकते हैं हिन्यान का यह नामकरण समीचीन जंजता है महायान हिन्यान धर्म की संकीर्णता एवं अव्यावहारिकता में ही महायान का बीज अंतर्भु था हिन्यान एक अनिश्वरवादी धर्म था अनिश्वरवादी धर्म होने के नाते हिन्यान जनसाधारण के लिए अप्राप्य था सन्यास एवं स्वावलंबन के आदर्श का पालन जो हिन्यान के मूल मंत्र थे जनसाधारण के लिए कठिन थे ज्यों ज्यो बौद्ध धर्म का विकास होना शुरू हुआ त्यों त्यों बौद्ध धर्म के समर्थकों ने हिन्यान के आदर्श को बौद्ध धर्म की प्रगति में बाधक समझा ऐसी परिस्थिति में बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायियों ने हिन्यान संप्रदाय के विपरीत एक दूसरे संप्रदाय को जन्म दिया जो जनसाधारण के मस्तिष्क और हृदय को संतुष्ट कर सके इस संप्रदाय का नाम महायान पड़ा महायान का अर्थ ही होता है बड़ी गाड़ी अथवा प्रशस्त मार्ग महायान को बड़ी गाड़ी अथवा प्रशस्त मार्ग कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा निर्देशित मार्ग पर असंख्य व्यक्ति चलकर चरम लक्ष्य को अपना सकते हैं इस संप्रदाय को सहजान इजी पाथ भी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसके सिद्धांतों को हृदयंगम सुगमता से कर सकता है महायान धर्म कोरिया जापान चीन आदि देशों में प्रचलित है महायान धर्म की सरलता एवं व्यावहारिकता ही इसे विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर सकी महायान धर्म की सबसे बड़ी विशेषता बोधिसत्व की कल्पना है बोधिसत्व की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है महायान में अपनी मुक्ति की अपेक्षा संसार के समस्त जीवों की मक्ति पर जोर दिया गया है महायानी संसार के समस्त प्राणियों के समय दुखों का नाश करा उन्हें निर्वाण प्राप्त करा देना अपने जीवन का उद्देश्य मानता है उसका यह प्रण है कि जब तक एक एक प्राणी मुक्त नहीं हो जाता हम स्वयं निर्वाण सुख को नहीं भोगेंगे तथा त्रस्त मानव के निर्वाण लाभ के लिए प्रयत्नशील रहेंगे महायानियों का यह आदर्श बोधिसत्व कहा जाता है बोधिसत्व का अर्थ है बोधि अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बोधसत्व मीन्स ऑर्डिनरिली सेंशन और री बीइंग परंतु महायान धर्म में बोधिसत्व का अर्थ उस व्यक्ति से लिया जाता है जो बोधिसत्व की प्राप्ति करता है तथा लोक कल्याण में संलग्न रहता है महायान का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति में बोधिसत्व प्राप्त करने की क्षमता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संभाव्य बुद्ध पोटेंशियल बुद्धा है यह मत हिन्यान के विचार से भिन्न है क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धत्व को नहीं माना गया है महायान के मतानुसार बोधिसत्व में करुणा का समावेश रहता है समस्त प्राणी उनके करुणा का पात्र बन सकते हैं वे संसार में रहते हैं फिर भी संसार के आसक्ति से प्रभावित नहीं होते उनको तुलना पंकज से की जा सकती है जो पंख में रहकर भी स्वच्छ तथा निर्मल रहता है बोधिसत्व के सिलसिले में कहा गया है कि वे लोक सेवा की भावना से जन ग्रहण करने को भी तत्पर रहते हैं महायान के बोधिसत्व हिन्यान के अरहत पद से भिन्न है हिन्यान में अरहत की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य कहा गया है अरहत के विचार में स्वार्थपरता निहित है क्योंकि वे अपनी ही मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं महायान का बोधिसत्व का आदर्श उसके विपरीत लोक कल्याण की भावना पर प्रतिष्ठित है इस प्रकार हिन्यान का लक्ष्य व्यक्तिक है जबकि महायान का लक्ष्य सार्वभौम है बोधिसत्व का सिद्धांत बुद्ध के विचार से संगत प्रतीत होता है बुद्ध ने स्वयं जनसाधारण के निर्वाण के लिए प्रयत्न किया है निर्वाण प्राप्ति के बाद वे लोक कल्याण की भावना से अर्थात इस उद्देश्य से किन संसार का मनुष्य दुख रूपी समुद्र को पार कर सके परिभ्रमण करते रहे तथा उपदेश देते रहे वे दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए अनेक यातनाएं सहने को तैयार थे उनकी ये पंक्तियां लेट द सिंस एंड मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड फॉल अपॉन माई शोल्डर्स सो द बींग्स मे बी लिबरेटेड फ्रॉम देम इस कथन की पुष्टि करती है अतः महायान के बोधित्व के आदर्श में हम बुद्ध के शब्दों की ही प्रतिध्वनि पाते हैं महायान में बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना गया है हिन्यान धर्म अनिश्वर वादी होने के कारण लोकप्रिय नहीं हो सका धर्म की भावना में निर्भरता की भावना निहित है मनुष्य अपूर्ण एवं ससीम होने के कारण जीवन के संघर्षों का सामना करने से ऊब जाता है तो वह एक ऐसी सत्ता की कल्पना करता है जो उसकी सहायता कर सके ऐसी परिस्थिति में वह स्वावलंबन के प्रति श्रद्धा रखकर ईश्वर ईश्वरपेक्षी हो जाता है महायान में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी आशा का संदेश है यही कारण है कि महायान में ईश्वर को करुणामय तथा प्रेममय माना गया है इसीलिए कहा गया है द गॉड ऑफ महायाना इज द गॉड ऑफ लव एंड लेस ग्रेट स्ट्रेस ऑन डिवोशन समस्त प्राणी प्रेम भक्ति और कर्म के द्वारा ईश्वर को करुणा का पात्र हो सकता है आगे चलकर महायान में बुद्ध को पारमार्थिक सत्य का एक अवतार मान लिया गया है जातक में बुद्ध के पूर्वावतार का वर्णन है बोधित्सव प्राप्त करने से पूर्व बुद्ध के जितने अवतार हुए थे उनका वर्णन जातक में वर्तमान है परम तत्व को महायान में वर्णनीय माना गया है यद्यपि परम तत्व अवर्णनीय है फिर भी उसका प्रकाशन धर्मकाय के रूप में हुआ है धर्म काय के रूप में बुद्ध समस्त प्राणी के कल्याण के लिए चिंतित दिखते हैं इस रूप में बुद्ध को अमिताभ बुद्ध कहा जाता है तथा उनके दया की अपेक्षा साधारण मनुष्य के जीवन का आवश्यक अंग होता है महायान में ईश्वर की भक्ति पर भी बल दिया गया है महायान ग्रंथ संदर्भ पुंडरी का कहना है कि सच्चे प्रेम से बुद्ध को एक पुष्प के अर्पण के द्वारा साधक को अनंत सुख प्राप्त होता है इस प्रकार बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित कर महायान ने धार्मिक भावना को संतुष्ट किया है महायान में आत्मा का अस्तित्व माना गया है महायान का कहना है कि यदि आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाए तो मुक्ति किसे मिलेगी मुक्ति की सार्थकता को प्रमाणित करने के लिए आत्मा में विश्वास आवश्यक हो जाता है महायान में व्यक्तिक आत्मा को मिथ्या या हिनात्मा कहा गया है इसके बदले महात्मा की मीमांसा हुई है महायान के अनुसार सभी व्यक्तियों में एक ही महात्मा वर्तमान है इस दृष्टि से सभी मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी समान है महायान में सन्यास अथवा संसार से पलायन की प्रवृत्ति की कटु आलोचना हुई है यद्यपि विश्व पूर्णतः सत्य नहीं है फिर भी संसार को तिलांजलि देना बुद्धिमता नहीं है यदि मनुष्य संसार का पारमार्थिक रूप समझे तो वैसी हालत में संसार में रहकर ही वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है महायान संसार से सन्यास के बजाय यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को संसार में रहकर ही अपनी प्रगति के संबंध में सोचना चाहिए महायान का यह विचार हिन्यान के दृष्टिकोण का विरोधी है क्योंकि हिन्यान में भिक्षु जीवन अथवा सन्यास पर अधिक जोर दिया गया है महायान में कर्म विचार में भी कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का फल पाता है दूसरे शब्दों में बिना किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलता है तथा किए हुए कर्म का फल भी नष्ट नहीं होता है परंतु महायान का कहना है कि बोधिसत्व अपने कर्मों के फल से दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों के पापमय कर्मों का स्वयं भोग कर सकते हैं लोक कल्याण की भावना से प्रभावित होकर बोधिसत्व अपने पुण्यमय कर्मों के द्वारा दूसरों को दुख से मुक्ति दिलाते हैं तथा पापमय कर्मों का स्वयं भोग करते हैं इस प्रकार कर्मों के आदान प्रदान को जिसे परिवर्तन कहा जाता है महायान में माना गया है कर्मों के इस आदान प्रदान के संबंध में नैतिक दृष्टिकोण से जो कुछ भी कहा जाए परंतु इसका मूल्य धार्मिक दृष्टिकोण से हम किसी प्रकार कम नहीं कर सकते हैं महायान में निर्वाण के भावात्मक मत पर बल दिया गया है निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत हो जाता है इसके अतिरिक्त वह आनंद की अनुभूति भी प्राप्त करता है निर्वाण को आनंदमय अवस्था कहा गया है निर्वाण के ये विचार शंकर के मोक्ष विचार से मिलते जुलते हैं शंकर ने भी मोक्ष को अभावात्मक अवस्था नहीं माना है मोक्ष में सिर्फ मानव के दुख का ही नहीं अंत होता है बल्कि आनंद की भी अनुभूति होती है महायान मत की तरह शंकर ने भी मोक्ष को एक आनंदमय अवस्था कहा है महायान उदार एवं प्रगतिशील है महायान में अनेक ऐसे अनुयायी आए जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व जिन धार्मिक विचारों को मानते थे उन्हें बौद्ध धर्म में मिला दिया महायान उदार एवं प्रतिशील होने के कारण उनके विचारों को आश्रय दिया जिनके फलस्वरूप महायान में अनेकानेक नवीन विचार मिल गए इसका फल यह हुआ कि महायान आज भी जीवित है असंग ने महायान महायानाविधर्मा संगति सूत्र में महायान की सात मौलिक विशेषताओं का उल्लेख किया है जो निम्नांकित है एक महायान विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव है दो यह सभी जीवों के प्रति सामान्य प्रेम को व्यक्त करता है तीन विषय ऑब्जेक्ट और विषि सब्जेक्ट के परम तत्व का निषेध कर तथा चैतन्य की एकमात्र सत्ता मानकर महायान ने बौद्धिकता का परिचय दिया है चार इसका आदर्श बोधिसत्व की प्राप्ति है बोधिसत्व में संसार के समस्त जीवों की मुक्ति के लिए कर्म करने की अद्भुत शक्ति है पांच यह मानता है कि बुद्ध ने अपनी उपाय कौशल्या एक्सलेंस स्किलफुलनेस के आधार पर संसार के अनेकानेक मनुष्यों को उनके स्वभाव तथा समझ के अनुसार उपदेश दिया है छ इसका अंतिम उद्देश्य बुद्धत्व को प्राप्त करना है बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बोधिसत्व की दस अवस्थाओं स्टेजेस से गुजरना पड़ता है सात बुद्ध संसार के समस्त व्यक्तियों के आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं हिन्यान और महायान में अंतर हिन्यान और महायान दोनों बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं दोनों के बीच अत्यधिक विषमता है यहां पर हम हिन्यान और महायान के बीच जो मौलिक विभिन्नताएं हैं उनका संक्षिप्त उल्लेख करेंगे हिन्यान और महायान में चरम लक्ष्य के विचार को लेकर विरोध है हिन्यान के अनुसार चरम लक्ष्य अरहत पद की प्राप्ति है अह सिर्फ अपनी ही मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं इसके विपरीत महायान का चरम लक्ष्य बोधिसत्व को प्राप्त करना है महायानियों ने सिर्फ अपना मोक्ष प्राप्त करना स्वार्थपूर्ण माना है वे सभी जीवों की मुक्ति को जीवन का लक्ष्य मानते हैं जब तक संसार के समस्त दुखी प्राणियों को मुक्ति नहीं मिल जाती वे सतत प्रयत्नशील रहते हैं इसी को बोधसत्व कहा जाता है इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्यान का लक्ष्य व्यक्तिक मुक्ति इंडिविजुअल लिबरेशन है जबकि महायान का लक्ष्य सार्वभौम मुक्ति यूनिवर्सल लिबरेशन है इसका फल यह होता है कि हिन्यान में स्वार्थपरता की भावना आ जाती है जिससे महायान अछूता रहता है हिन्यान में अनिश्वरवाद को अपनाया गया है मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना होता है हिन्यान बुद्ध के कथन आत्मदीपोभव पर जोर देते हुए कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कल्याण के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए इस प्रकार हिन्यान में स्वावलंबन पर जोर दिया गया है महायान में इसके विपरीत ईश्वर की सत्ता को माना गया है यहां बुद्ध को ईश्वर के रूप में मान लिया गया है बुद्ध प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं मनुष्य बुद्ध के प्रति प्रेम और भक्ति को दर्शाकर अपना कल्याण कर सकता है बुद्ध स्वयं करुणामय है तथा सारा संसार उनकी करुणा का पात्र है उपर्युक्त भेद से एक दूसरा भेद निकलता है हिन्यान में बुद्ध को एक मनुष्य की तरह माना गया है परंतु महायान में बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है तथा उनकी उपासना के लिए महायान में स्थान है हिन्यान भिक्षु जीवन और संन्यास पर जोर देता है हिन्यान के अनुसार मनुष्य संसार का त्याग कर ही निर्वाण को अपना सकता है परंतु महायान में निर्वाण प्राप्त करने के लिए संसार से पलायन का आदेश नहीं दिया गया है व्यक्ति संसार में रहकर भी निर्वाण को अपना सकता है निर्वाण की प्राप्ति के लिए सांसारिकता से आसक्ति आवश्यक है संसार से संन्यास नहीं इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्यान जगत के प्रति अभावात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है परंतु महायान जगत के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को श्रोधार्य करता है हिन्यान में निर्वाण को अभाव रूप माना गया है न्यान में निर्वाण का अर्थ ही है बुझ जाना जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके प्रकाश का अंत हो जाता है उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के दुखों का अंत हो जाता है परंतु महायान में निर्वाण को भाव रूप माना गया है निर्वाण प्राप्त करने के बाद मानव के दुखों का ही अंत नहीं होता है बल्कि आनंद की प्राप्ति होती है निर्वाण को यहाँ आनंदमय अवस्था माना गया है हिन्यान में आत्मा को नहीं माना गया है परंतु महायान में आत्मा की सत्ता को माना गया है महायान के अनुसार केवल व्यक्तिक आत्मा मिथ्या है परमार्थिक आत्मा अर्थात महात्मा मिथ्या नहीं है महात्मा सभी मनुष्यों में विद्यमान है हिन्यान के स्वावलंबन एवं सन्यास का आदर्श अत्यंत ही कठिन है हिन्यान को अपना कर कम ही व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को अपना सकता है परंतु महायान ने ईश्वर आत्मा बोधसत्व के आदर्श को मानकर निर्वाण के मार्ग को सुगम बना दिया है अनेक व्यक्ति महायान के द्वारा जीवन के लक्ष्य को अपना सकते हैं इसीलिए हिन्यान को छोटा पथ या संकीर्ण मार्ग तथा महायान को बड़ा पथ या प्रशस्त मार्ग कहा गया है हिन्यान रूढ़िवादी डॉगमेटिक परिवर्तन का घोर विरोधी है वहां मूल बौद्धमत की अधिकांश बात जो कि त्यों बनी रही परंतु महायान इसके विपरीत उदार एवं प्रगतिशील है उदार होने के कारण उसमें अनेकानेक नए विचार मिल गए प्रगतिशील होने के कारण उसमें अश्वघोष नागार्जुन असंग आदि विद्वानों के विचार निहित हैं जिन्होंने गंभीरतापूर्वक दर्शन के भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार किया है